वांछा कल्पतरुभेश कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, प्रेम से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमशीला भक्ति विदान शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमशीला एसी भक्ति विदान शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त रूपानु गुरुवरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उन सबसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। हमने 5 दिन का सत्संग रखा है, विषय रखा है राधा तत्व, क्योंकि राधा जी का जन्म आने वाला है राधा अष्टमी, तो हम कुछ राधा जी के बारे में जानेंगे राधा तत्व। लेकिन अगर वास्तविक हमारी स्थिति देखी जाए तो हमारी स्थिति तो ऐसी है, राधा जी को क्या जानेंगे, अभी तो हम अभी अपने आप को भी नहीं जानते हैं। जीव तत्व यानी कि जीव कौन है, कृष्ण तत्व कृष्ण कौन है, माया तत्व माया क्या है, राधा तत्व सबसे ऊंचा तत्व। तो अगर वास्तविक स्थिति देखी जाए अभी तो हम ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं। एक व्यक्ति मुझे मिला था, उसने बोला आई फॉलो स्पिरिचुअलिटी बट आई डोंट फॉलो रिलीजन। मैं स्पिरिचुअलिटी को तो फॉलो करता हूं लेकिन रिलीजन को फॉलो नहीं करता। और अभी ये ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है विदेश में, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को बोलते हैं कि रिलीजन आपस में लड़ाई कराता है, इसलिए हम रिलीजन को फॉलो नहीं करते, हम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है। जैसे हम सुनते हैं ना हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम, ये नया कॉन्सेप्ट है कि हम स्पिरिचुअल तो है लेकिन रिलीजन नहीं है। तो ये बात तो मुझे समझ में आती नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि भैया स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है। आप कह रहे हो कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता हूँ लेकिन रिलीजन को फॉलो नहीं करता। व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी कहते किसको हैं? उसके पास कोई उत्तर ही नहीं था। स्पिरिचुअलिटी शब्द निकला है स्पिरिट से, स्पिरिट मीन्स स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिट क्या होती है, स्पिरिट मीन्स आत्मा। तो स्पिरिट का साइज क्या है, स्पिरिट का स्वरूप क्या है, स्पिरिट कहां से आई है, क्यों आई है, उसको यहां से जाना पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, क्या आपको इन सबके प्रश्नों के उत्तर पता है? वो बंदा चुप हो गया। तो मैंने कहा आप कह रहे हो कि आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो, आपको ये ही नहीं पता कि स्पिरिट आत्मा कहां से आई है, यतो वा इमानी भूतानि येन जातानि जीवन्ति, आत्मा क्यों आई है, कहां जाएगी, और तो छोड़ो आपको यही नहीं पता आत्मा का साइज क्या है। क्या हम लोग जानते हैं आत्मा का साइज क्या है? ये भी नहीं जानते। और हम बोलते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं। हमारे गुरुवर हुए हैं शीला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज। जब भक्त लोग उनके पास आते थे दर्शन करने के लिए तो वो डांटते थे, वो कहते थे यू आर डिवोटी। भक्त को इंग्लिश में बोलते हैं डिवोटी, यू आर डिवोटी, व्हाट हैव यू डिवोटेड फॉर कृष्णा, तुमने कृष्ण के लिए क्या डिवोट किया है। डिवोट का मतलब होता है समर्पण करना। तुमने कृष्ण के लिए क्या डिवोट किया है, हैव यू डिवोटेड योर फैमिली, क्या आपने अपने परिवार को समर्पित कर दिया भगवान की सेवा में, हैव यू डिवोटेड योर वेल्थ,
क्या आपने अपने धन को समर्पित कर दिया? आपने डिवोट क्या किया है? जब तक एक व्यक्ति अपने आप को पूरा डिवोट नहीं कर देता भगवान के लिए, वो डिवोटी नहीं कहला सकता। भक्त मीन्स जिसने अपना सर्वस्व ही भगवान को दे दिया है। जैसे गोपियां कहती हैं गोपी गीत में अशुल्क दासी का, कि हम आपकी अशुल्क दासी का हैं, हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं। हमारे शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के कीर्तन हैं, उससे पता चलता है भक्त किसको कहते हैं। मारी बे राखी बे जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुहा अधिकार। कह रहे हैं मारी बे राखी बे जो इच्छा तुहार, हे प्रभु तेरी शरण में आ गया हूं, मारना है मार, रखना है रख। जो इच्छा तुहार, जिसमें भक्त की फिर कोई इच्छा ही नहीं रह जाती है कि जैसे ते को रखना है रख। नित्य दास प्रति तुहा अधिकार, हम तो तेरे दास हैं और प्रभु की इच्छा जैसे रखना है रखे, रखना है रखो, मारना है मारो, जैसे रखना है वैसे रहेंगे। इसको बोलते हैं डिवोटी, जिसने अपना सर्वस्व ही भगवान के लिए दे दिया। वास्तविक में वो लोग हैं जो राधा जी को समझ सकते हैं। हमारा अधिकार नहीं है, अभी हमने कुछ भी नहीं दिया भगवान के लिए। क्या दिया है? हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव को उनके परम, मतलब हमारे परम गुरुदेव, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव पूज्यपाद शीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, हमारे गुरुदेव को सन्यास देने के लिए बुलाया। बोले मैं तुम्हें सन्यास देना चाहता हूं। तो गुरुदेव ने एक शब्द बोले परम गुरुदेव को, कि जिस दिन मैं अपने घर परिवार को छोड़ के आपके पास आया था, उस दिन मेरी जो आसक्ति अपनी पत्नी में थी, मेरी जो आसक्ति अपने संतान में थी, मेरी जो आसक्ति अपनी माता पिता में थी, या मेरी जो आसक्ति अपने बंधुओं में थी, सारी की सारी आसक्ति उस दिन मैं वहां से उठा के आपके चरणों में लेके आ गया था। इसको बोलते हैं वास्तविक गुरु के चरणों में जाना। क्या हमने उस प्रकार से गुरुदेव का चरणों का आश्रय ग्रहण किया है? हम लोग बोलते हैं हमारी गुरु दीक्षा हो गई, ये हमारे गुरुदेव हैं, तो क्या हमने अपनी सारी आसक्ति गुरुदेव के चरणों में दे दी है? गुरुदेव आगे बोले कि जिस दिन मैं अपनी सारी आसक्ति ही आपके चरणों में दे दी, तो मेरा तो कोई स्वतंत्र इच्छा बन रह ही नहीं गई, आपकी इच्छा है। अगर आप मुझे सफेद कपड़े में रखना चाहते हो, सफेद में रखो। अगर आप मुझे लाल कपड़े में रखना चाहते हो, लाल में रखो। अगर आप मुझे सन्यास देना चाहते हो, सन्यास दो। अगर आप मुझे निर्वस्त्र ही रखना चाहते हो, तो निर्वस्त्र ही रखो, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। सारी इच्छाएं उनके चरणों में दे देना, इसको बोलते हैं आत्म समर्पण। स्वतंत्र जीवने बहु दुख पाइनु, हमारे आचार्यवर कहते हैं कि प्रभु स्वतंत्र जीवन में मैंने बहुत दुख पाया है, इसलिए अब मैं क्या करता हूं। जैसे एक बच्चा है, जो बच्चा स्वतंत्र होता है वो अपने माता पिता की नहीं सुनता, अपनी चलाता है। तो ऐसे ही हम भगवान की संतान है, लेकिन हर जन्म में अपनी चलाते हैं। बहु योनि नाथ भ्रमणी लहिनु शरण, अनेक योनियों में भ्रमण करते 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 एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, पता नहीं कितने ब्रह्मांडों में होके आ चुके हैं। बहु योनि नाथ भ्रमणी लहिनु शरण, अब जाके हम भगवान तेरी शरण में आते हैं और अपनी स्वतंत्रता को त्याग देते हैं कि हम तेरी शरण में आए हैं, अब जैसा तू बोलेगा वैसा हम करेंगे। इसको बोलते हैं अनकंडीशनल सरेंडर, यानी कि सरेंडर तो करना है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अनकंडीशनल सरेंडर कि भगवान हम तेरे पास आ गए, अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया। चैतन्य चरितामृत में बताया है कि अनकंडीशनल सरेंडर क्या होता है और उसका फल क्या होता है। कृष्ण तुम्हार हो यदि बोले एक बार, एक बार बोलना है, दो बारी नहीं बोलना, बस एक बार बोलना है। क्या? कृष्ण तुम्हार हो, हे कृष्ण मैं तेरा हूं। क्या बोलना है? आई एम योर्स, मैं तेरा हूं, हे कृष्ण। कृष्ण तुम्हार हो यदि बोले एक बार, अगर हमने इसको एक बारी बोल दिया, सिर्फ एक बारी, भगवान इंतजार कर रहे हैं कि कोई जीव आके केवल एक बारी ये शब्द बोल जाए कि मैं कृष्ण तेरा हूं, कृष्ण तुम्हार हूं। यदि बोले एक बार, माया बंध हटे कृष्ण तारे करे पार। उसी समय भगवान क्या करेंगे, अपनी माया को हटा देंगे, कृष्ण तारे करे पार। जिस दिन हम कृष्ण के सामने जाके एक बारी अगर हमने हृदय से बोल दिया कि हाँ कृष्ण मैं तेरा हूं,
उसी समय भगवान माया का बंधन हटा देंगे, कृष्ण तारे करे पार, उसी समय उसके हाथ पकड़ के उसको अपने चरणों में स्थान दे देंगे। तो हम कई बार कृष्ण को बोलते हैं कि कृष्ण हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, तो क्या वो वास्तविक होता है? वो वास्तविक होता नहीं। क्यों नहीं होता? देखो एक उदाहरण देता हूं। एक लड़की किसी लड़के को बोलती है कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, दूसरे दिन किसी और को बोलती है मैं आपसे भी प्रेम करती हूँ, तीसरे दिन किसी और को बोलती है आई लव यू, चौथे दिन किसी और को, फेसबुक पे किसी और को, व्हाट्सएप पे किसी और को। अब ये जो स्त्री सबको बोल रही है कि मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, या मानो कोई पुरुष किसी बार बार अनेक स्त्रियों को बोलता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो ये प्रेम है क्या? बताओ ये प्रेम होगा? ये तो प्रेम होता नहीं। प्रेम किससे होता है? प्रेम केवल एक से होता है। अगर हमारा प्रेम दो से भी है ना, तो वो प्रेम नहीं है, वो बट गया। प्रेम का मतलब होता है अपने हृदय को, अपने हृदय को। प्रेम का मतलब क्या है? जो हमारा हृदय है, हमने अपना हृदय आपको दे दिया। अब जब जिससे हमने प्रेम किया अपना हृदय उसको दे दिया, तो आप किसी और को दे सकते हो? अगर हमने किसी से पूरा प्रेम कर लिया तो अपना हृदय तो उसको दे दिया, उसके बाद अपने आप से भी प्रेम नहीं रह जाता। गोपियां क्या कह रही हैं? पति सुतान वहे भ्रातिर भांधवान अति विलंगते अच्युत आगता। गोपियों ने अपने पति को, अपने बच्चों को, पति सुतान वहे भ्रातिर भांधवान अपने बंधुओं को, यहां तक कि अपने आप को भी क्या कर दिया? कृष्ण के प्रति समर्पण कर दिया है। इसलिए गोपियों की स्थिति कैसी है? गोपियों की स्थिति है दशरथ महाराज हा राम करके राम के वियोग में प्राण त्याग दिए, लेकिन गोपियां प्राण भी नहीं त्याग सकती। क्यों? क्योंकि गोपियां कहती है कि हम कृष्ण आपके वीर में प्राण भी इसलिए नहीं त्याग सकते क्योंकि हमारे प्राण तो आपके पास है। जो वस्तु हमने कृष्ण को दे दी उसको अब हम, हमारा तो अधिकार ही खत्म हो गया ना। तो गोपियों ने अपने प्राण प्रियतम कृष्ण को अपने प्राण समर्पित कर दिए हैं। तो गोपियों की स्थिति कैसी है? गोपियों की स्थिति है जैसे एक मछली जल के बाहर उसको निकाल दो तो क्या करती है? फड़फड़ाती है। तो गोपियां कह रही है कि हम आपके प्रेम में कैसी हैं? फड़फड़ा रही हैं। अपने प्राणों को भी त्यागना चाहे तो त्याग नहीं कर सकती क्योंकि प्राण तो आपके पास दे दिए हैं। कृष्ण को भूलना चाहे तो भूल भी नहीं सकती। राधा जी जब कृष्ण के विरह में दुखी होती हैं, बताया कि राधा जी का विरह कैसा है, एक उपमा दी। इस जगत में अगर प्रेम को समझना है ना, तो प्रेम को तब हम समझ सकते हैं जब प्रेम के बाद, मिलन के बाद जो विरह होता है। जब तक हम विरह को नहीं समझेंगे प्रेम को नहीं समझ सकते। विरह से ही प्रेम प्रकाशित होता है। गोपियों का जो प्रेम प्रकाशित हुआ है कृष्ण के विरह में हुआ है। अगर कृष्ण से विरह नहीं होता तो गोपियों का प्रेम प्रकाशित नहीं होता। इस जगत में एक संसार का भौतिक उदाहरण दे रहा हूं। एक लड़का एक लड़की से बहुत प्रेम करता है, बाहर से दिखता है बहुत प्रेम करता है। अकस्मात उस लड़के की शादी होने से पहले मृत्यु हो गई। ये मेरे आंखों का देखा हुआ एक उदाहरण है। मेरा ही एक मित्र था। अब ये लड़की जो उससे बहुत प्रेम करती थी 4 साल से, अभी इस लड़के की जो मृत्यु हो गई अभी 4 दिन भी हुए नहीं है, 5वें दिन उस लड़की को किसी और लड़के के साथ हमने घूमता हुआ देखा। तो जो 4 दिन से उसका, हम 4 साल से जो उसका प्रेम दिख रहा था, क्या वो प्रेम था? वो तो प्रेम हुआ नहीं, वो तो क्या था? काम था। इस जगत में तो खैर प्रेम है ही नहीं, लेकिन वो इस जगत का जो प्रेम तो उसको नहीं बोलेंगे, अगर लव भी बोले वो भी नहीं था। वो तो प्रेम प्रकाशित होता है विरह में। तो गोपियों का विरह कैसा है? राधा जी कहती हैं कृष्ण को, दूसरी अन्य गोपी को, कि मैं कृष्ण के विरह में इतनी दुखी हूं, इतनी दुखी कि मेरे हृदय में एक अग्नि जल रही है, कृष्ण के विरह की अग्नि। वो अग्नि कैसी है? श्रील रूप गोस्वामी जी बताते हैं उस अग्नि की उपमा थी बड़वानल। एक होता है संसार दावानल। दावानल क्या होता है? जब जंगल में आग लग जाती है, जंगल में आग कैसे लगती है? कोई लगाता तो है नहीं, आपस में जब वायु का संयोग होता है लकड़ी से अपने आप आग लग जाती है। उस आग को कोई बुझा नहीं सकता, बहुत बड़ी आग होती है। लेकिन फिर भी वो आग बुझ सकती है। कैसे? अगर बहुत सारे मेघ आ जाएं, मेघों की वर्षा होगी तो आग बुझ जाएगी, होता है ना? अगर जंगल में आग लग गई तो कैसे बुझाते हैं? जहां तक आग नहीं फैली उधर के पेड़ों को काट देते हैं। उधर के पेड़ काट दिए तो एक सीमा हो गई, उसी सीमा में आग लगी हुई है। और जब बहुत तेज की वर्षा आएगी तो आग बुझ जाएगी। लेकिन अगर आग पानी में लग जाए तो उसको कैसे बुझाओगे?
पानी में भी आग लगती है। कहाँ पे लगती है? इसको बोलते हैं बड़वा नल। समुद्र के बीच में एक आग लगी हुई है। अब समुद्र के बीच में जो जल में आग लगी उसको कैसे बुझाओगे? जल की आग को बुझा ही नहीं सकते, उसको बुझाने का कोई तरीका ही नहीं है। तो राधा जी का जो विरह है उसकी उपमा दी है बड़वा नल के समान। राधा जी की हृदय में जो विरह का जो ताप है, अगर राधा जी अपनी सखी को बोलती है कि मैंने उस ताप को अपने हृदय में बांध के रखा है, अगर उस अग्नि का एक कण भी बाहर आ जाए, एक कण भी उस अग्नि का, तो ये जितने भी ब्रह्मांड है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड, आसमान में जितने आप तारे देखते हो ये सारा तारा एक एक ब्रह्मांड है। अनंत कोटि ब्रह्मांड सारे के सारे अग्नि में स्वाह हो जाएंगे अगर राधा जी की जो विरह है उसका एक कण भी बाहर निकल आए। तो सोचो वो कैसी अग्नि होगी। राधा जी ने अपने हृदय में उस अग्नि को जो धारण करके रखा है, कृष्ण के विरह की अग्नि, वो कितनी ऊंची अग्नि होगी जिसकी एक चिंगारी में इतनी शक्ति है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड जो भगवान की सृष्टि है उसको सर्वनाश कर सकती है। वो इतना ऊंचा विरह, वो कितना ऊंचा प्रेम होगा। उस प्रेम को हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग 5 दिन का सत्संग करके उसको समझने की चेष्टा करेंगे, लेकिन वो एक ऐसा प्रेम है कृष्ण भी उसको नहीं समझ पाए। राधा जी का प्रेम जिसको कृष्ण तक नहीं समझ पाए तो क्या एक जीव उसको समझ सकता है? सोचो, कृष्ण भगवान है, त्रिलोकीनाथ है। कैसे भगवान है? एक क्षण के अंदर, एक क्षण कितना होता है? एक सेकंड। एक सेकंड का भी 11 हिस्सा कर दो एक लव, एक लव के अंदर भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकते हैं। उसी एक लव मात्र के अंदर उस ब्रह्मांड का फिर विनाश करके पुनः सृष्टि कर सकते हैं, फिर विनाश करके फिर पुनः सृष्टि कर सकते हैं, फिर विनाश करके फिर पुनः सृष्टि कर सकते हैं। कितनी बारी कर सकते हैं? अनंत बारी कर सकते हैं एक क्षण के अंदर। जो एक क्षण के अंदर इतने बड़े ब्रह्मांड की कोटि कोटि बार सृष्टि करके फिर पुनः विनाश करके पुनः सृष्टि कर सकते हैं, वो कृष्ण भी राधा जी के प्रेम को नहीं समझ पाए। इतना ऊंचा प्रेम है। लेकिन फिर भी हमने जिन गुरुवरों का आश्रय ग्रहण किया है, हमारे जो गुरुवर्ग हैं ये उसी धाम से आए हैं, राधा जी की निज सेवाएं करते हैं, इन्होंने हमें कुछ दिग्दर्शन दिया है। दिग्दर्शन मतलब एक जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा को तो हम नहीं देख सकते लेकिन दिखा देते हैं वहां पे है, इशारे से दिखा देते हैं, लेकिन चंद्रमा तो बहुत बड़ा है। तो उसी प्रकार से उस दिग्दर्शन के माध्यम से हम कुछ उस ब्रज के रस में प्रवेश करेंगे और जो गोपियों का जो प्रेम है, राधा जी का जो प्रेम है, उसको हम यद्यपि नहीं जान सकते, लेकिन अगर उनकी कृपा होती है, अगर राधा जी हम पे कृपा करें, ये राधा जी की तो कृपा है कि 5 दिन के लिए राधा जी ने हम सबको यहाँ पे एकत्रित किया और हम राधा अष्टमी बनाने के लिए बैठे हैं, तो उनकी कृपा से जितना समझ पाएंगे समझ पाएंगे। राधा जी ये प्रेम क्या है, हम इसको समझ रहे थे। राधा जी अपनी सखियों को बोलती है, ललिता को, कि मैं कृष्ण के विरह में इतनी तापित हो रही हूं कि मैं अपने प्राणों को अब छोड़ना चाहती हूं। लेकिन प्राणों को छोड़े भी कैसे, प्राण तो कृष्ण के पास है। तो राधा जी कहती है नहीं, अब कृष्ण नहीं आएंगे, कृष्ण मथुरा द्वारका चले गए हैं, कितना इंतजार करूं, मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहती हूं। ललिता बोलती है कि राधे, अगर तुम अपने प्राणों को त्यागना चाहती हो, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंत क्लेवरम, जिस भाव को स्मरण करके अंत में एक व्यक्ति शरीर को छोड़ता है वैसे ही तो भाव की प्राप्ति होती है, और तुम कृष्ण के विरह में कैसी हो, कृष्ण के विरह में तापित हो रही हो। अगर कृष्ण को स्मरण करके ही अपने प्राणों को त्यागोगी तो अगले जन्म में फिर से तुम्हें क्या होगा, फिर से तड़पना पड़ेगा, फिर से कष्ट होगा, फिर से कृष्ण का विरह होगा। हाँ, अगर कृष्ण को भूल के अपने प्राणों को त्याग सकती हो, प्राण त्यागते समय अगर कृष्ण का स्मरण नहीं होता, कृष्ण को भूल के अगर प्राणों को त्याग दो तब तो प्राण त्यागना सार्थक है, तब अगले जन्म में तुम्हें कृष्ण का स्मरण नहीं होगा, तब तुम अपना परिवार का जीवन जी सकती हो, क्या तुम्हारे लिए संभव है? तो राधा जी चेष्टा करती हैं कि मैं कृष्ण को भूलूं। क्या चेष्टा कर रही है? कृष्ण को भूलने की। ललिता जी विशाखा जी को बोलती है कि जो विशाखा है वो तुम्हें सिखाएंगी कि कृष्ण को कैसे भूलना है, उनसे जाके शिक्षा लो कि कृष्ण को भूलना कैसे है। तो राधा जी मानो विशाखा जी को अपना गुरु मान लेती है कि हे विशाखे, कृष्ण को भूलना चाहती हूँ, कृष्ण को स्मरण करते 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 अब ऐसी स्थिति हो चुकी है कि अपने प्राण मानो बाहर भी जाना चाहे तो जा नहीं पा रहे,
संकट में हूँ, कितना मैं उनके विरह में तड़पूंगी, तो तुम मुझे शिक्षा दो कृष्ण को भूलने की। ये शिक्षा मांग रही है कि मेरे को कृष्ण को भूलना है राधा जी। तो विशाखा जी क्या करती हैं, कृष्ण को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देती हैं। ब्रह्म ज्ञान समझते हैं, हमारे भारत में 99% जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं 99% मायावाद फैला हुआ है। मायावाद का मतलब क्या है, भगवान का रूप नहीं है, भगवान के पास शक्ति नहीं है, निशक्ति है वो, भगवान निर्विकार है, निर्रूप है, यानी कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई धाम नहीं है, भगवान के कोई परिकर नहीं है, भगवान कैसा है, एक ज्योति के समान है। इसको बोलते हैं मायावाद, जिसमें भगवान के रूप को नहीं मानते, निरंकार बोलते हैं ना, निरंकार कि उसका आकार ही नहीं है, लेकिन नहीं, भगवान का आकार है, ये गलत है। तो वहां पे विशाखा जी, ललिता विशाखा जी राधा जी को शिक्षा देती है कि किस प्रकार से तुम कृष्ण को भूलो। जितनी शिक्षा देती है कृष्ण को भूलने की, उतना ही कृष्ण का और स्मरण होता है, उतना ही कृष्ण को याद करके पुनः रोना शुरू करती है। फिर विशाखा जी ने हाथ जोड़ दिए कि नहीं, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकती, तुम कृष्ण को भूलना जितना चाहती हो उतना और स्मरण करती हो, जितना भूलना चाहती हो उतना और स्मरण करती हो, तुम कृष्ण को भूल ही नहीं सकती। तो सोचो वो कैसा प्रेम होगा जिसके अंदर वो कृष्ण को भूलना भी चाहे तो भूल नहीं सकती, एक लव मात्र के लिए भी, एक क्षण मात्र के लिए भी वो कृष्ण को नहीं भूल सकती। और हमारी स्थिति कैसी है, हम जितना मर्जी प्रयास करें, कोटि कोटि प्रयास करते हैं, तब भी कृष्ण को स्मरण ही नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको समझें कि जीव कौन है, ये प्रेम क्या है। जब तक हम जीव को नहीं समझेंगे, हम कौन है, जब तक हम इस प्रेम को नहीं समझेंगे, तब तक हम वहां पे प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आज हम कुछ भूमिका रचते हैं अपने आप को समझने के लिए, जानते हैं कि आज हम कौन है, जीव कौन है, प्रेम क्या है। जितने भी जीव हैं, हर जीव का एक स्वभाव है, हम जितनी भी जीव आत्माएं हैं, हम जीव आत्मा का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है, धर्म कहते हैं ना, ये बहुत धार्मिक है। धर्म, धर्म शब्द कहां से बना है, इसको अच्छी तरह समझना। धर्म शब्द बना है धृ धातु से। धृ धातु का मतलब होता है संस्कृत में धारण करना, जो किसी भी वस्तु को धारण करे उसको बोलते हैं धर्म, धारण करना। जब भी कोई वस्तु बनती है, जब भी किसी वस्तु का निर्माण होता है, उसका एक स्वभाव होता है जिसने उसको धारण करके रखा है। जैसे मान लीजिए औषधि, औषधि का स्वभाव क्या है, औषधि को किसने धारण किया हुआ है, औषधि को धारण किया है उसकी शक्ति ने, जो क्या करती है, एक व्यक्ति को ठीक करती है। पॉइजन, विष, विष का स्वभाव क्या है, मारना, ये उसके स्वभाव में है ना, विष के, उसको धारण किया हुआ है किसने, उसके मारने की शक्ति ने। अग्नि, अग्नि का क्या स्वभाव है बताओ, दाई का शक्ति, अग्नि का स्वभाव है जलाना, अग्नि को धारण किसने किया है, उसकी जलाने की शक्ति ने। चलो मानो अगर आज अग्नि की जो जलाने की शक्ति है उसको मैं हटा दूं, अग्नि की जलाने की शक्ति को अगर हम हटा दें तो क्या वो अग्नि रहेगी, वो तो अग्नि रहेगी नहीं, क्योंकि अग्नि तो जलाती है। तो जिस वस्तु को जिसने धारण किया हुआ है उसको बोलते हैं धर्म। जीव आत्मा को किसने धारण किया है बताओ, हम सब जीव आत्माओं को किसने धारण किया है, हम सबकी भी एक शक्ति है, हम सबका भी एक स्वभाव है, प्रेम करना। क्या करना, प्रेम करना। जितनी भी जीव आत्माएं हैं सबका स्वभाव है प्रेम करना, हम सबको धारण करके रखा है इस प्रेम करने की शक्ति ने। बच्चा जब जन्म लेता है सबसे पहले माँ की गोद से प्रेम करता है, उसको कैसे बता भैया ये तुम्हारी माँ है और प्रेम करना है, किसी ने बच्चे को सिखाया। बछड़ा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ साथ माँ के स्तन की तरफ भागता है और उसका दूध पान करता है, उसको कैसे पता भैया यहाँ पे दूध है, किसने उसको सिखाया। जितनी भी जीव आत्माएं हैं प्रेम करना उसका धर्म है, प्रेम करना कोई किसी को सिखाता नहीं है। कोई सिखाता है बताओ, कोई सिखाता है कि ये तुम्हारे पिताजी हैं इनसे प्रेम करो, ये पत्नी है इनसे प्रेम करो, ये बच्चे हैं इनसे प्रेम करो, कोई सिखाता है। हाँ हाँ, अब आप पत्नी बनने वाले हो, 2 महीने बाद आपके यहाँ पे संतान होगी, तो आपको शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे से प्रेम कैसे करना है। अरे ये कोई सिखाने की बात है क्या, नहीं नहीं, आप पहली बार माँ बन रहे हो ना इसलिए सीख लो कि बच्चा होगा तो उससे प्रेम कैसे करना है, भैया ये कोई सिखाने की बात थोड़ी ना है। तो प्रेम करना जीव का स्वभाव है, बिना प्रेम के कोई जीव आत्मा नहीं रह सकती। एक उदाहरण देता हूं,
मानो कि अगर आपको एक आइलैंड में भेज दिया जाए, बहुत बड़ा आइलैंड है, वहां पे सारी भोग की सामग्रियां अवेलेबल है, जितनी भी भोग की वस्तु इस जगत में है सब वहां पे मिलेगा, बड़े बड़े 5-7 स्टार होटल हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर है, शिप है, अपने डॉकयार्ड्स हैं, सब कुछ आपको उस आइलैंड में मिलेगा। लेकिन उस आइलैंड में आपको पूरा जीवन अकेले रहना है, रह पाओगे? बताओ आप माताएं लोग, बताओ रह पाओगे क्या? उस आइलैंड में सारी वस्तु मिलेगी, भोग की सारी सामग्रियां हैं, लेकिन पूरा जीवन आपको वहां पे अकेले रहना है। रह पाएंगे आप लोग? कोई परिवार वाले नहीं है, कोई नहीं रह पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको एक ऑप्शन देते हैं, आपको हम एक उड़ीसा में गांव में भेज देंगे, सारे आदिवासी लोग रहते हैं वहां पे, आज तक ना बिजली आई है, जब बिजली नहीं आई तो ना किसी प्रकार का ना मोबाइल चलेगा ना कुछ चलेगा, बिजली ही नहीं है, ना रोड है ना कुछ है। हाँ गांव वाले लोग हैं, प्रेम से सबके साथ रहते हैं, नदी बहती है वहीं से पानी भरो और वहीं पे अपनी खेती करो और फसल उगाओ और खाओ। बताओ कहाँ रहोगे, गांव में रहोगे या बड़े आइलैंड में रहोगे? कहाँ पे रहोगे प्रभु जी? गांव में ही रहोगे। क्यों? क्योंकि भैया गांव वाले तो हैं कम से कम, प्रेम किससे करेंगे? तो हम कभी भी बिना प्रेम के नहीं रह सकते। और आप देखना, अगर मानो एक पुरुष और स्त्री का प्रेम था, स्त्री ने प्रेम तोड़ दिया, पुरुष क्या करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। देखा नहीं, जब प्रेम टूटता है तो व्यक्ति सुसाइड तक कर लेता है कि भैया प्रेम ही नहीं रहा तो अब जी के करना क्या है। तो हम सबका स्वभाव है प्रेम करना, लेकिन हम लोगों ने जो प्रेम दिया है ना, प्रेम हम सब लोग अभी गलत जगह पे दे चुके हैं। हमारा प्रेम केवल भगवान से हो सकता है, कभी भी जीव आत्मा का आपस में प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम का एक स्वभाव है, प्रेम कभी टूटता नहीं है, प्रेम कभी टूटता नहीं है। अब बताओ, जो हमने अपनी संतान से प्रेम किया, पहला प्रेम कभी टूटता नहीं है, दूसरा जिससे आप प्रेम करोगे जितने परिमाण में, वो भी आपसे उतने परिमाण में प्रेम करेगा। भगवत गीता में भगवान ने प्रतिज्ञा ली है, ये यथा माम प्रपदन्ते तामस तथा ए भजाम्यहम, कि जो जैसे मेरे साथ प्रेम करेगा मैं भी उसके साथ वैसा ही प्रेम करूंगा। तो ये प्रेम के दो स्वभाव हो गए, पहला प्रेम कभी टूटता नहीं है, दूसरा जिसके साथ आप प्रेम करोगे जितने परिमाण में वो भी आपसे उतना ही प्रेम करेगा। चलो अब इस जगत में देखते हैं, माताएं लोग सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती है? पुत्र से करती है, स्वभाव है। मेरी माँ भी मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करती है, माँ का प्रेम सबसे ज्यादा पुत्र से होता है। अब प्रेम का सबसे पहला स्वभाव क्या है? टूटना नहीं चाहिए, और जिससे आप जितना प्रेम कर रहे हो वो आपसे उतना ही प्रेम करेगा। अब जैसे जैसे आपकी संतान बड़ी होती जा रही है, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, बच्चों की शादी हो जाती है, अब जब बच्चों की शादी हो गई तो बच्चा आपसे ज्यादा प्रेम कर रहा है या अपनी पत्नी और अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम कर रहा है? बताओ, संसार का सच है ये, आप अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन प्रेम की कंडीशन है जिससे आप जितना प्रेम करते हो वो आपसे उतना ही प्रेम करेगा। तो क्या यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? आपकी आसक्ति अपने बच्चे में बढ़ती जा रही है, और बच्चे की आसक्ति क्या हो रही है? उसकी आसक्ति कहां पे जा रही है? अपनी पत्नी और अपने बच्चे में जा रही है। तो क्या वो प्रेम रहा? वो तो प्रेम रहा नहीं। दूसरा उदाहरण, प्रेम कभी टूटता नहीं है, लेकिन इस जगत का संबंध शरीर तक है, शरीर खत्म प्रेम खत्म। यावत जीवो निवसति देहे तावत कुशलम पृच्छति गेहे, गतवती पायो देह पायो भार्य विवत्मति तस्मिन काये। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ये जगत का प्रेम कब तक है? यावत जीवो निवसति देहे, जब तक हमारी आत्मा चल रही है, सांसे चल रही है। यावत जीवो निवसति देहे तावत कुशलम पृच्छति गेहे, तब तक परिवार वाले लोग पूछेंगे, हाँ हाँ ठीक तो हो, गर्मी तो नहीं लग रही, सर्दी तो नहीं लग रही, क्या खाया है क्या पिया है? यावत जीवो निवसति देहे तावत कुशलम पृच्छति गेहे गतावती पायो देहा पायो, जैसे ही ये आत्मा शरीर को छोड़ के बाहर निकलेगी उस समय क्या होगा? भार्या विवत्मति, भार्या यानी कि पत्नी, पत्नी भी अपने पति के शरीर को देख के डर जाएगी, भैया ये कौन है, उसको भी डर लगेगा, प्रेत प्रेत कहे लागी भागी, और लगेगा भैया कोई प्रेत आत्मा आ गई है,
अब क्या एक रात अपने पति के साथ कोई रह सकता है अगर आत्मा निकल जाए? नहीं रह सकते। तो वहां पे प्रेम कहां पे रहा? प्रेम तो केवल शरीर तक सीमित था, शरीर खत्म, प्रेम खत्म। तो प्रेम का स्वभाव है कि प्रेम कभी टूटता नहीं है, और जिससे आप प्रेम कर रहे हो वो प्रेम का आपको रेसिप्रोकेट करेगा। उतना प्रेम जितना आपने उससे किया है उतना वो आपसे भी करेगा। लेकिन इस संसार वालों को जो हमने प्रेम किया है वो हमारे प्रेम को रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते, वो हमारे प्रेम के साथ आदान प्रदान नहीं कर सकते। जगत में सबके साथ प्रेम करके देख लो। और इस जगत का नियम क्या है? भगवान ये देखते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया, और इस जगत के लोग क्या देखते हैं कि आपने मेरे लिए क्या नहीं किया। पूरा जीवन दे दिया बच्चों के लिए, बच्चे लोग कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे भैया जो तू बोल रहे किया ही क्या है, तेरे को बोलना किसने सिखाया? वो भी तो हमने सिखाया। लेकिन बच्चे बोलते हैं नहीं आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो ये इस जगत का नियम है। इस जगत के लिए आप 100% कर दो, 100% तो खैर नहीं कर सकते, चलो अगर 100% कर भी दो तब भी वो कमी निकालेंगे कि 101 क्यों नहीं किया। और भगवान के लिए कैसा है? अल्प सेवा बहु करी मानी। भगवान के लिए थोड़ा सा भी करो तो उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं, कितना बड़ा किया। इसलिए हमारा जो भगवान के साथ जो प्रेम है वो कभी टूटता नहीं है। देखो भगवान के साथ प्रेम कभी नहीं टूटता, उसका उदाहरण देता हूं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, नेह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि अगर किसी ने भगवान के साथ थोड़ा सा भी प्रेम कर लिया, थोड़ा सा भी प्रेम, भगवान उस प्रेम को याद रखेंगे और उसको कभी भूलेंगे नहीं। भगवान उस प्रेम को याद रखेंगे। जड़ भरत का उदाहरण आता है भागवत में। पूर्व जन्म में क्या थे? भरत महाराज थे। किसी कारणवश हिरण की योनि में जाना पड़ा, लेकिन हिरण की योनि में जाने पर भी क्या उनका भगवान के साथ जो प्रेम था वो कम हुआ? वो तो कम हुआ नहीं, बल्कि वो और बढ़ गया। अगले जन्म में जड़ भरत बने और फिर भगवान की प्राप्ति हुई। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वहां पे केवल हिंदू लोग जा सकते हैं, अन्य धर्म के लोगों को वहां प्रवेश नहीं है, मंदिर में नहीं जा सकते। नो एंट्री लिखा हुआ है, ओनली हिंदूज आर अलाउड, मंदिर के बाहर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। एक राजा थे, मुसलमान राजा, लाल बेग साल बेग, उनके बेटे साल बेग। अब ये जगन्नाथ जी से इनका प्रीति हो गई, जगन्नाथ जी से प्रेम करते हैं, लेकिन मंदिर में जा नहीं सकते। तो जगन्नाथ जी के बाहर बैठ के जगन्नाथ जी का कीर्तन गाते थे। तो जगन्नाथ जी अपने मंदिर के बाहर आ गए इसको दर्शन देने के लिए। तो जहां पे जगन्नाथ जी ने इनको दर्शन दिए, जगन्नाथ जी ने अपने मंदिर के बाहर आके उस दीवार के ऊपर जहां पे जगन्नाथ जी दर्शन दिए, वहां पे आज जगन्नाथ जी की एक प्रतिमूर्ति है, उसको बोलते हैं पतित पावन जगन्नाथ। पतित पावन क्यों? जो पतित लोग हैं जो मंदिर में नहीं जा सकते उनको दर्शन देने के लिए जगन्नाथ जी खुद बाहर आ गए। इसलिए आज लोग क्या करते हैं, जो लोग मंदिर में नहीं जा सकते द्वार के बाहर खड़े हो जाते हैं और वहां से पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। एक बैल था, बैल, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 15-16 साल पुरानी बात है। ये बैल क्या करता था, रोज उस पतित पावन जगन्नाथ जी के बाहर आ जाएगा, रोड पे, बिल्कुल बाहर, मेन रोड है, जो लोग जगन्नाथपुरी गए हैं उनको पता होगा। तो वहां पे बाइक्स भी आती है, कभी साइकिलें भी आती है। तो ये बैल रोज उस मंदिर के द्वार के बाहर खड़ा हो जाएगा और वहां पे खड़े होके निरंतर उन पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन करता रहेगा। अब किसी प्रकार से आप बैल को वहां से भगाओ, मार के चले जाएगा, लेकिन फिर आ जाएगा, फिर उन पतित पावन के जगन्नाथ जी के दर्शन करता रहेगा। क्यों? इसका मतलब पूर्व जन्म में कोई ना कोई तो उसका प्रेम था और वो प्रेम टूटा नहीं है। कोई ऐसा अपराध हुआ होगा कि बैल की योनि मिल गई, जैसे जड़ भरत जी को हिरण की योनि मिल गई, लेकिन प्रेम तो टूटा नहीं ना। और वहां पे आके क्या करता है, उनके दर्शन करता है। इसका मतलब वहां पे पूर्व जन्म का कोई ना कोई प्रेम है, और भगवान के साथ जो प्रेम होता है वो कभी नहीं टूटता। मानो अगर इस जन्म में हमने अपना हृदय 100 में से 10% भगवान को दे दिया, 10%, 90% हमारा अभी भी संसार में लगा हुआ है, तो अगला जन्म जब होगा ना, वो जो 10% भगवान में जो हृदय लगे ना, वो 10 ही रहेगा, कम नहीं होगा। साधना करते 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 50% हो गया तो वो 50 ही रहेगा, कम नहीं होगा। अगले जन्म में 50 से आगे बढ़ेगा, यानी कि जितना परिमाण में हमारा हृदय भगवान के पास लग चुका है वहां से वो कम नहीं होता, वो प्रेम हमेशा बढ़ता है, कभी गिरता नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है,
वहीं जगन्नाथपुरी में रामचरितमानस का पाठ चला था। लगभग 11 साल वो कथा चली थी। एक बैल, उसका रोज नियम है पंडाल के बिल्कुल पीछे आके बैठेगा और रामचरितमानस सुनने के बाद चला जाएगा। जिस दिन पाठ का पूरा संपूर्ण हुआ उसी दिन उस बैल ने वहां पे अपने प्राणों को त्याग दिया। ऐसे एक नहीं कितने उदाहरण हैं। औरों का तो कहना ही क्या, हम कई जगहों पे कथा करने जाते हैं। जयपुर में कथा करने गए, एक दो बच्चे मिले, उनको इतना अच्छा लगा उन्होंने अपना पूरा जीवन ही दे दिया, साधु बनना चाहते हैं। आज का जो नव युवक बच्चा है वो नौकरी के लिए भाग रहा है, कोई जॉब के लिए भाग रहा है। उसने 2 घंटे कथा सुनी, 2 घंटे कथा सुनने के बाद उसकी जो आसक्ति अपनी माँ से थी, उसकी आसक्ति अपने भाई से थी, बहन से थी, अपने जो भी बंधु हैं उनसे थी, 2 घंटे कथा सुनने से उसके हृदय में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि बस अब वहां पे रहना ही नहीं है, अब हम वृंदावन चलेंगे। इसका मतलब उसका पूर्व जन्म में कोई ना कोई तो प्रेम था ना भगवान से। अब जैसे उसको एकदम से वो एक हिंट मिला, उसको याद आ गया और साथ साथ अपने घर वालों को छोड़ के चल पड़ा वृंदावन की ओर। औरों का तो कहना है कि हमारे संगरूर वासी, हमारे हर्ष प्रभु, हमारे मोहित प्रभु, कितनी उम्र है, 32, 33, 34 साल, इस उम्र में लोग क्या नहीं करते। नौकरी छोड़ दी, वृंदावन में बैठे हैं, घर परिवार छोड़ दिया, वृंदावन में बैठे हैं। इसका मतलब पूर्व जन्म का कोई ना कोई ठाकुर जी से प्रेम था ना, तो ठाकुर जी ने खींच के बुला लिया, वृंदावन वापस बुला लिया, अपनी सेवा में लगा दिया। तो ये प्रेम एक ऐसी चीज है जो कभी टूटता नहीं है, और ये प्रेम हम केवल किसके साथ कर सकते हैं, भगवान कृष्ण के साथ कर सकते हैं। वो प्रेम कभी नहीं टूटता, यहां तक कि ये प्रेम देवी देवताओं के साथ भी नहीं कर सकते। देवी देवताओं के साथ जो हमारा संबंध होता है वो स्वार्थ का संबंध है। जब तक आपने उनकी आराधना करी है तब तक ठीक है, जिस दिन आराधना बंद करोगे उस दिन सब खत्म कर देंगे। इंद्रदेव, भैया ब्रजवासी तो तेरी पूजा कर ही रहे थे, आज से तो नहीं कर रहे थे, उनके पूर्वज ने भी तेरी पूजा करी थी। अगर एक बारी तेरी पूजा नहीं करी तो उसी इंद्र ने क्या किया, इन ब्रजवासियों को सबको खत्म कर दूंगा, तो कहां गया भैया तेरा भक्ति। इसलिए जो भक्ति शब्द है वो केवल भक्ति शब्द केवल भगवान कृष्ण, भगवान राम, इनके लिए इस्तेमाल हो सकता है। देवी देवताओं के लिए भक्ति शब्द इस्तेमाल नहीं हो सकता। यहाँ तक कि माता पिता के लिए भी मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। देशभक्ति, देश के लिए भी भक्ति शब्द इस्तेमाल नहीं हो सकता। आपने उसका नाम सुना है, कौन थे फ्रीडम फाइटर, सुभाष चंद्र बोस। हमारे गुरुवर्ग हैं शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। सुभाष चंद्र बोस आए प्रभुपाद जी से मिलने के लिए, बोले कि आपके मठ में इतने सारे नव युवक लोग रहते हैं, सब ब्रह्मचारी हैं, क्या करते हैं, ढोल बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं, इनको बोलो भैया ढोल और मृदंग छोड़ के देश के लिए युद्ध करें, हाथ में बंदूक पकड़े, साधु बनने से काम बनेगा नहीं, देश के लिए लड़ना पड़ेगा। तो हमारे प्रभुपाद जी उसको बोले, सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है मेरे जो शिष्य हैं मैं उनको आदेश देता हूं कि वो देश के लिए लड़े, भारत के लिए लड़े और विदेशियों को मारे, लेकिन मुझे एक बात बताओ सुभाष जी, अगर अगले इसी जन्म में मरते मरते युद्ध करते करते तुम्हारी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद अगर तुम्हें अगला जन्म इंग्लैंड में मिलेगा तब तुम क्या करोगे, तब तुम वापस भारत में आके भारत माता की जय का जयकारा देके भारत के लिए लड़ोगे या इंग्लैंड में बैठे बैठे भारतवासियों को मारोगे और इंग्लैंड की तरफ से लड़ोगे, क्या करोगे। तो सुभाष चंद्र का व्याख्या थी, उसने उत्तर दिया, बोला अगर मेरा इंग्लैंड में जन्म हो गया तो भारतवासियों को मारूंगा, फिर इंग्लैंड की तरफ से युद्ध करूंगा। तो प्रभुपाद जी बोले यानी कि तुम्हारा तो कोई धर्म का कोई नींव ही नहीं है, आज यहाँ पे जन्म लिया तो भारत माता की जय, अगले जन्म में कहाँ हो गया इंग्लैंड में तो क्या बोलोगे, इंग्लैंड की जय भारत माता, फिर माता नहीं रहेगी, फिर तो भारत में क्या करने आओगे, युद्ध करने के लिए आओगे। तो तुम्हारा जो धर्म है, जो तुम्हारा धर्म है उसकी कोई नींव है, वो तो बदल गया शरीर के साथ साथ, धर्म बदल गया, लेकिन हमारा जो धर्म है वो शरीर के साथ बदलता नहीं है। इसलिए इस चीज को समझो, जो प्रेम है, प्रेम धर्म मतलब प्रेम, प्रेम केवल भगवान से हो सकता है, कभी भी प्रेम भगवान को छोड़ के और किसी से नहीं हो सकता। बाकी जितना भी है सब स्वार्थ का संबंध है। शीने पुण्य मरते लोकम विशंति, स्वर्ग लोक में अगर कोई किसी देवी देवता का भक्त है, मानो कोई शनि का बहुत बड़ा भक्त है, कोई इंद्र का भक्त है, जब उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद देवी देवता उसका स्वागत करने के लिए उसको स्वर्ग लोक में लेके जाएंगे, स्वर्ग लोक में उसका बहुत बड़ा आदर सत्कार होगा,
उसको एक गले में बड़ी सुंदर फूलों की माला पहनाई जाएगी, जैसे अभी आप लोगों ने मुझे माला पहनाई है। लेकिन जैसे ही उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, जो उसने पुण्य करे हैं धरती लोक पे, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाएंगे, जिन देवताओं ने उसका स्वागत किया था वही देवता उसको लात मार के वहां से नीचे फेंकेंगे। स्वागत तो अच्छी तरह किया, विमान आया, विमान में लेके गए, लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाएंगे वापस आपको छोड़ने नहीं आएंगे, वहीं से उठा के फेंक देंगे नीचे। ये जो चतुर्मस्या का समय चलता है, इस चतुर्मस्या के समय जो वर्षा होती है, जो पानी गिरता है, इस पानी के साथ क्या गिरता है, देवी देवता गिरते हैं। जिन देवी देवताओं की पुण्य क्षीण हो चुके हैं वो आके गिरते हैं, और गिरने के बाद कहाँ पे जाके मिल जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं। मिट्टी से फिर कहाँ पे जाते हैं, मिट्टी से जो फसल उगती है, टमाटर उगता है, बैंगन उगता है, उस फसल में बीज में प्रवेश करते हैं, उनको बीज में जाना पड़ता है। उस फसल को जब कोई व्यक्ति खाता है, खाने के बाद फिर वो जाके वीर्य के रूप में आ जाते हैं, और वीर्य के बाद फिर जब आगे संतान उत्पत्ति होती है फिर जाके उनका दूसरा जन्म होता है। इस प्रकार से देवी देवताओं को भी क्या करना पड़ता है, वर्षा के माध्यम से गिरते हैं फलों में या फिर किसी भी बीज में प्रवेश करते हैं, फिर जाके जब उनको कोई खाता है फिर वीर्य के माध्यम से किसी गर्भ में प्रवेश करते हैं, तब जाके शरीर बनता है, फिर दूसरा जन्म होता है। इसलिए बोला शीर्णे लोके मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य खत्म वापस आके गिर जाओ। तो जो देवताओं के साथ जो संबंध है वो कैसा है, स्वार्थ का है। इसका मुझे शीर्णे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति की मुझे अनुभूति तब हुई जब मैं अलाहाबाद से आ रहा था दिल्ली। ट्रेन पूरी फुल है, स्लीपर क्लास की ऐसी हालत है जैसे जनरल हो, पैर अंदर। फिर मैंने देखा तो इतना भरा हुआ है, पैर नहीं रख सकते, चलो भैया थ्री टायर में घुस जाते हैं। मेरे पास टिकट नहीं है, इमरजेंसी में एक जमाना पड़ा, थ्री टायर में घुस गया। अब थ्री टायर में घुस गया तो वहां पे भी पूरा फुल है, तो वहां पे टीटी आया, तो मैंने बोला कि मुझे तो भैया दिल्ली तक जाना है, तो जो भी टिकट बनती है पैसे ले लो। उसने कहा ठीक है अभी बैठे रहो, अभी हिसाब करता हूँ। तो उसने एसी के डब्बे में हमें बैठने नहीं दिया, बहुत सारे लोग घुसे थे। एसी का जहाँ पे डब्बा खत्म होता है, जो बीच का एरिया होता है, वहां पे उसने कंबल बिछा दिया। छह सात लोग थे, सबको बोला ये कंबल पे बैठ जाओ, कंबल पे बैठे रहे। स्लीपर में तो बैठ भी नहीं सकते, इतनी बुरी हालत है। उसके बाद टीटी आया कानपुर में जाके, तो उसको जब हम घुसे थे, घुसने के साथ साथ पहले पहले तो सबसे 500 रुपए पहले ही ले लिए थे, 500 रुपए पहले ले लिए थे। कानपुर में आया, बोला सब 1000-1000 रुपए और दो। तो हमने कहा ठीक है भैया 1000 रुपए तो देंगे, अलाहाबाद से कानपुर 2.5 घंटे हो गए, तूने अभी तक बाहर बाथरूम के बिठा के रखा हुआ है, कम से कम अंदर तो भेज, तब तक 1000 रुपए दे देंगे। टीटी ने सीधा बोला दिल्ली तक जाना है तो यहीं कंबल पे बैठ के जाना पड़ेगा, अंदर आप लोग नहीं जा सकते, अंदर सारा फुल है, अंदर कहीं बैठने की भी जगह नहीं है, और 1000 रुपए और दो। तो हमने कहा भैया फिर तेको 1000 रुपए और क्यों दे, जब तू 1500 रुपए ले रहा है, सीट भी नहीं दे रहा, चल सीट मत दे, कम से कम अंदर तो बैठने दे, एसी में तू वो भी नहीं बैठने दे रहा, तो फिर तेको पैसे और क्यों देने हैं। तो दो लोगों ने मना कर दिया, उसमें मैं भी था, बाकी 2-3 लोग और थे बूढ़े, उन्होंने कहा क्या करेंगे वहां तो जा नहीं सकते, चल भैया तू यहीं पे बैठा के रख, 1000 रुपए दे दिए। अब उसके बाद उस टीटी ने क्या किया, रात को 11:30 बजे जो बीच का जो दरवाजे होते हैं स्लीपर और उसके बंद हो जाते हैं, तो उसने हमें पूरा आखिरी तक, 4 कोच हमारे एसी के थे, 4 कोच क्रॉस करते 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 स्लीपर में लेके चला गया। अब बीच में शटर था, शटर का उसने लॉक खोला, शटर ऊपर किया और हमें अंदर धक्का दे दिया, दो लोगों को शटर वापस नीचे कर दिया, बोला कि बस 500 रुपए में कानपुर तक लेके आया, अगर 1000 रुपए दोगे तो दिल्ली तक जाना पड़ेगा, और वहीं पे बैठ गए। तो ये क्या हुआ, शीने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। उसी समय मुझे गीता का श्लोक याद आया, गुरुवर बोलते हैं ना कि जैसे ही पुण्य खत्म होंगे तो आपको वापस इस धरती लोक में फेंक दिया जाएगा। तो जो देवताओं के साथ संबंध है वो कैसा संबंध है, स्वार्थ का संबंध है। जब तक आप उनकी वाह वाह कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तब तक रखेंगे, जिस दिन पूजा खत्म टाटा बाय बाय, 5-star होटल में जाओ, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, आपके पास हाथ में पानी के गिलास लेके आ जाएंगे, जूस लेके आ जाएंगे, आपको एक सामान उठाने नहीं देंगे, आपका सारा सामान उनके वेटर उठाएंगे, यहाँ तक कि अगर हाथ में कोई बैग है वो बैग भी लेंगे, सर प्लीज ये बैग भी दे दो हम आपको उठाते हैं, आपको रूम तक लेके जाएंगे, उसके बाद जो आपको चाहिए आपकी सारी सेवा करेंगे। 3 दिन के बाद आपके पास पैसे खत्म हो गए, आप उसका बिल नहीं चुका सकते, क्या करेंगे, सरसर करेंगे, जो सामान उठा के आपको कमरे में लेके आए थे वही आपका सारा का सारा सामान उठा के अब बाहर जाके फेंकेंगे, चलो भैया बाहर भागो यहाँ से, नहीं भागोगे तो क्या करेंगे, जो बाहर गेट कीपर था, जो पहले सैल्यूट कर रहा था, वो गेट कीपर आ जाएगा, चल भैया निकल यहाँ से फटाफट, होगा या नहीं होगा। तो ये प्रेम नहीं है,
ये स्वार्थ है। इसलिए देवताओं के साथ जो हमारा संबंध है वो कैसा है? स्वार्थ का संबंध है, प्रेम का संबंध नहीं है। तो प्रेम केवल किसके साथ हो सकता है? केवल भगवान के साथ प्रेम हो सकता है, जीवात्मा के साथ कभी प्रेम नहीं हो सकता। तो हम आगे बढ़ते हैं, इस प्रेम की बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारे शास्त्र बोलते हैं कि प्रेम इस जगत में नहीं है, प्रेम केवल उस जगत में है, भगवत धाम में है। तो हमारा प्रेम भगवान के साथ केवल हो सकता है। अब ये प्रेम क्या है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस प्रेम की कथा को आगे बढ़ाएंगे, ब्रज की तरफ प्रवेश करते हैं। जब हम राधा तत्व को समझने की चेष्टा करेंगे तो हम भगवान की शक्ति को जानने की चेष्टा करेंगे। ये थोड़ा सा हो सकता है आपको कठिन लगे, लेकिन मैं इसको बहुत सरल करके आपको समझाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की तीन शक्तियां हैं, जीव शक्ति, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति यानी कि बाहर की शक्ति, अंतरंगा शक्ति यानी कि अंदर की शक्ति, और एक होती है जीव शक्ति, उसको बोलते हैं बीच की शक्ति, हिंदी में बोला तटस्थ शक्ति। सबसे पहले बहिरंगा शक्ति जो बाहर की शक्ति हो गई उसको बोलते हैं दुर्गा देवी, ये जो माया है। अंतरंगा शक्ति जिससे भगवान अपनी सारी लीलाएं करते हैं, भगवान की अपनी अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति। और जीव क्या हो गया? भगवान की तटस्था शक्ति। इसको अच्छी तरह समझने की चेष्टा करना, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, और बीच में क्या हो गया? तटस्था शक्ति, वो हो गया जीव। तो ये भगवान श्री कृष्ण की तीन शक्ति बताई, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ जो है जीव शक्ति। जीव भी कौन है? भगवान की शक्ति है, तभी तो हम लोग कार्य कर पा रहे हैं। ये शक्ति से ही तो सारा शरीर जो चल रहा है, ये जो आत्मा से चल रहा है। आत्मा क्या है? भगवान की शक्ति, भगवान की जीव शक्ति है। जैसे ये जो माइक चल रहा है, बिजली से चल रहा है, बिजली नहीं है तो माइक किसी काम का नहीं, फैन किसी काम का नहीं, ये एसी किसी काम के नहीं। उसी प्रकार से ये सारा जो जगत चल रहा है ये भगवान की जीव शक्ति से चल रहा है, हम सब जीव। बहिरंगा शक्ति क्या करती है? बहिरंगा शक्ति है ये माया, माया है भगवान की बहिरंगा शक्ति। जीव है तटस्था शक्ति, तट पे उत्पन्न हुआ है। तट का मतलब जैसे एक समुंदर है, समुंदर का जो तट है, समुंदर के तट में आप लोग बताओ बालू होगी या जल होगा? बताओ, प्रश्न है। समुंदर के तट पे क्या होगा, बालू या जल? जल होगा ना, बालू तो होगी नहीं, क्या होगा? नहीं, बालू होगी, जल की होगा। अगर बालू नहीं है तो तट कैसे बनेगा? बालू होगा ना, बोलो क्या होगा? बालू होगा या जल होगा, बताओ? कितने लोग कहते हैं जल होगा? हाथ ऊपर करो, अभी तो जल बोल रहे थे, हाथ ऊपर करो, ठीक है। और बाकी लोग कहते हैं बालू होगा, इसका मतलब? नहीं, दोनों होगा तभी तो तट है भैया, जल भी होगा बालू होगा तभी तो तट है। अगर केवल जल ही जल होगा तब तट का रहा, तब तो वो नदी हो गई, समुंदर हो गया। और अगर बालू ही बालू रही तो तब तो वो क्या हो गया, जमीन हो गई। तट तो तभी है ना जब दोनों है, जल भी है और बालू भी है, तभी तो तट है। लेकिन अगर तट को थोड़ा और सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, तट में ना तो जल है और ना ही बालू है, दोनों ही नहीं है। जो मन में आ रहे बोलते जा रहे हो, कभी कह रहे हो दोनों है, कभी कह रहे हो दोनों ही नहीं है, पागल हो गए हो क्या? नहीं, तट एक इमेजिनरी लाइन है, इसको समझो। तट क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है, तट कोई फिजिकल जगह नहीं है। जैसे मानो जहां पे, उदाहरण लेते हैं इस बॉटल का, एक उदाहरण से समझते हैं। ये हो गया व्हाइट हिस्सा, मानो जल, ये हो गया, ये नीचे का हो गया तट, ये सब तट हो गया, ये सफेद हो गया जल। अगर इन दोनों के बीच की जो सीमा है, ये तट हुआ ना, ये जो सीमा है ये तो तट हुआ। अब ये जो तट है, इस तट में क्या बोलेंगे? ना तो सफेद है, ना यहाँ पे ये पीला रंग है। तो तट एक इमेजिनरी लाइन है, समझ रहे हो? इमेजिनरी लाइन जो उन दोनों के बीच को डिवाइड करती है, एक इमेजिनरी लाइन है वो। तो जीव जो है भगवान की तटस्था शक्ति है, वो अंतरंगा में भी नहीं है, यानी कि भगवान के साथ में भी नहीं है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि हम पहले भगवान के पास थे, वापस जाना है, नहीं, हम भगवान के पास कभी थे ही नहीं। क्योंकि अगर हम भगवान के पास होते, हमारा भगवान से प्रेम होता, तो प्रेम का तो लक्षण है ना, प्रेम कभी टूटता ही नहीं है। इसका मतलब हमारा भगवान से प्रेम था ही नहीं, हम थे ही नहीं। और गीता में भगवान बोलते हैं यद गत्वा ना निवर्तन्ते, जो एक बारी भगवत धाम को चले जाए वापस कभी आता ही नहीं है, तो हम आए कैसे?
इसको समझो। तो हमारा जो उत्पत्ति स्थान है स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट आत्मा, आत्मा के बारे में आज हम जान रहे हैं, हमारा जो उत्पत्ति का स्थान है वो एक तट पे हुआ है, जहां पे एक तरफ है बहिरंगा शक्ति भगवान की माया खड़ी है, एक तरफ कृष्ण खड़े हैं। तो हम तट पे उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जीव भगवान की तटस्था शक्ति है। वहां पे हमारे पास दोनों ऑप्शन थे, या तो भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा करो, नहीं तो इस बहिरंगा जगत में आओ और क्या करो, भोग करो। तो जीव क्या है, भगवान की तटस्था शक्ति है। वहां पे हमारा उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के साथ साथ भोग वांछा करे, कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ तार माया झपटिया धरिया फिरे। जैसे ही हमने कृष्ण से बहिर्मुख हो गए, हमने अपना मुख क्या करा, कृष्ण की तरफ नहीं करा, कृष्ण की तरफ पीठ कर दी और माया की तरफ मुख कर दिया, कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे। और जैसे ही कृष्ण से बहिर्मुख हो गए, हमारे सबके हृदय में भोग की वांछा जाग गई कि मैं तो भोग करूंगा। अब प्रश्न वही आता है, भोग करना किसने सिखाया? पशु पक्षी तो किसी यूनिवर्सिटी में जाते नहीं है, उनको किसने सिखाया भोग करना है और संतान उत्पत्ति करनी है? उनके अंदर भी तो भोग की वासनाएं हैं, बच्चे से लेके बड़े तक सबके हृदय में भोग की वासना है। बच्चों के हृदय में जो भोग की वासना है, यद्यपि वो पुरुष स्त्री के प्रति नहीं होती, लेकिन भोग की वासना उनकी किसके प्रति होती है? मिठाई के प्रति होती है, नहीं तो किसी खिलौने के प्रति होती है। है तो सही ना भोग की वासना। तो हम सब ने क्या किया, कृष्ण से बहिर्मुख हो गए, कृष्ण बहिर्मुख है या भोग वांछा करे, और हम सब ने भोग की वांछाएं करी है, हम सब ने भोग करने की इच्छा करी है। निकटस्थ तार माया झपटिया धरिया फिरे, माया वही पास में खड़ी थी जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, उसने क्या किया, अच्छा भोग करना है, झपटिया धरिया फिरे, ऐसे झपट के कस के पकड़ लिया। जैसे शेरनी क्या करती है, अपने शिकार को ऐसे पंजे से झपट के पकड़ लेती है, तो उसी समय माया ने हम सबको झपट के इस भौतिक संसार में डाल दिया, जिसको बोलते हैं माया रचे कारागार। माया ने फिर कारागार रचा किसके लिए, हम जैसी जीवात्माओं के लिए जो भगवान से प्रेम नहीं करना चाहते, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। वहां पे कोई सौभाग्यशाली जीवात्माएं भी थी जिन्होंने इच्छा करी, नहीं नहीं हम तो भगवान की सेवा करेंगे। उसी समय उन जीवात्मा को क्या किया, वो जीवात्माएं उसी समय भगवत धाम को चली गई और वहां पे क्या कर रही हैं, सेवा के सुख को उपभोग कर रही हैं, भगवान की सेवा कर रही हैं। और भगवान की सेवा कैसी होती है, भगवान है सच्चिदानंद, तो भगवान की सेवा के लिए देह कौन सा मिलेगा, सच्चिदानंद। तो जो भगवान के परिकर हैं उनको सच्चिदानंद देह की प्राप्ति होती है, जिससे वो भगवान की सेवा करते हैं। और हमने भगवान से बहिर्मुख हो गए, माया ने पकड़ लिया, अब क्या करती है, कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुपाए, दंडे देन राजा देन नदी ते चुबाए, कबू राजा कबू प्रजा कबू शूद्र कभी कीट। कभी राजा बना देती है, कभी क्या करती है शूद्र बना देती है, कभी कीड़ा बना देती है, कभी स्वर्ग में इंद्र का देवता बना देती है, कभी ब्रह्मा बना देती है, कभी मच्छर बना देती है, ब्रह्मा भी मच्छर बन जाता है, मच्छर भी ब्रह्मा बन जाता है। मसकी करही विरंची प्रभु अजही मसकते हीन, भगवान ऐसे हैं, एक क्षण लगता है ब्रह्मा को मच्छर, मच्छर को ब्रह्मा बना देते हैं। तो हमें 84 लाख योनि में भ्रमण कराती रहती है, कभी पेड़ बना के खड़ा कर देती है, कभी कीड़ा बना देती है रेंगते ही रहो, सांप बना देगी रेंगते रहो, कभी आसमान में उड़ने वाला पक्षी बना देती है। तो अनेक योनियों में जीव को भ्रमण कराती रहती है ये माया। उदाहरण दिया कैसे, दंडे देन राजा जेन नदी ते चुबाए, जैसे राजा पहले दंड देते थे, कैसे देंगे, देखो ये एक दंड देने का स्टाइल है राजा का। जो अपराधी व्यक्ति है उस अपराधी व्यक्ति को राजा क्या करेगा, नदी में लेके जाएगा, उसके सेना उसको नदी में लेके जाएगी। ऐसे दंड देना चाहिए आजकल के लोगों को भी, तब उनको शिक्षा आएगी कुछ। नदी में जाने के बाद उसके बाल से पकड़ के जो दंडनीय व्यक्ति है उसको पूरा नदी में डुबो देंगे पानी में, कितनी देर तक, जब तक उसके फेफड़ों में जल नहीं भर जाता, 2 मिनट। अब 2 मिनट के बाद जब देखा ये व्यक्ति मरने वाला है, साथ के साथ उसको उठा के वापस बोट में लिटा देंगे। अब क्या करेगा, वो लंबी लंबी सांसें लेगा, लेगा या नहीं लेगा। अब उस समय जब वो लंबी लंबी सांसें ले रहा है, उससे बड़ा आनंद उसके लिए कोई और हो सकता है, आप लोग बताओ। जो व्यक्ति 2 मिनट पानी में बैठा रहा,
वहां पे उसके पास सांस नहीं थी, अब वो बाहर निकल के लंबी लंबी सांसें ले रहा है, उसके लिए उससे बड़ा कोई आनंद हो सकता है? बताओ उस समय उसको क्या हो रहा है, दुख हो रहा है या आनंद हो रहा है? बताओ, प्रश्न है। उस समय जब वो लंबी लंबी सांसें ले रहा है उसको दुख की अनुभूति हो रही है या उसको आनंद मिल रहा है? क्या मिल रहा है? आनंद मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? हम भी तो सांस ले रहे हैं, हमें आनंद नहीं मिल रहा, उसको क्यों आनंद मिल रहा है? आनंद भी नहीं उसको तो परमानंद मिल रहा है। उसके सामने उस समय हीरे रख दो, जवाहरात रख दो, कुछ भी रख दो, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको केवल क्या चाहिए? बस लंबी लंबी सांस। क्यों आनंद मिल रहा है उसको? क्योंकि इस जगत का नियम, इस जगत का नियम है जो वस्तु दुख देती है वही बाद में आनंद देती है। जितना दुख होता है उतना ही आनंद होता है। अगर आपको आनंद की अनुभूति करनी है इस जगत की, क्या करो? अभी एक मिनट के लिए आप भी अपनी सांस रोक लो, रोक लो एक मिनट के लिए, फिर हाथ छोड़ो, फिर जब सांस लोगे वही सांस आपको क्या देगी? बड़ा आनंद मिलेगा। भैया अभी तो ले रहे हो, अभी क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि दुख की अनुभूति नहीं हुई ना। जिसको दुख की अनुभूति होती है उसी को ही फिर आनंद की अनुभूति होती है। वास्तविक वो आनंद नहीं है, आनंद तो इस जगत में है ही नहीं। वो क्या है? जहां पे दुख दूर हो गया उसी को आनंद समझ लेते हैं। उसका दुख दूर हो गया ना, उसको दुख मिल रहा था इसलिए उसको आनंद लग रहा है। जैसे आज एक व्यक्ति डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गया, डॉक्टर ने बोला आपको कैंसर है, ब्लड कैंसर। उसने कहा पता नहीं क्या, बड़ा परेशान हो गया। उसके दोस्त ने बोला छोड़, मैं देखो एक अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, तेरा वहां से चेकअप कराता हूँ। जब वहां से चेकअप कराया, डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं तुम्हें कैंसर नहीं है, बिल्कुल ठीक हो, किसी ने तुमको गलत बोल दिया। अब उस समय उसको क्या मिलेगा? बड़ा आनंद मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको उस समय दुख लगा ना कि मुझे कैंसर है, लेकिन जब पता चला नहीं कैंसर नहीं है, बिल्कुल ठीक हो, उसको एकदम आनंद मिल गया, क्योंकि उसको अब दुख दूर हो गया। अभी हमें भी तो बिल्कुल ठीक बैठे हैं, लेकिन सुख होता है? कोई डॉक्टर बोले तुम बिल्कुल ठीक हो, हमें तो पता है हम ठीक है, इसमें क्या सुख वाली क्या बात है? तो इस जगत का सुख क्या है? इस जगत का सुख सिर्फ यही है कि जहां पे आपको दुख मिलने के बाद कुछ समय के लिए दुख दूर हो जाते हैं उसी को हम लोग क्या समझते हैं? बस सुख है। तो वहां पे उस व्यक्ति को जब वो लंबी लंबी सांसें ले रहा है, वास्तविक में वो दुख है, वो सुख नहीं है, उसको लग रहा है, लेकिन ये माया उसको दंड दे रही है। इसको समझो अच्छी तरह, ये ही माया का दंड है कि पहले उसको दो मिनट तक तो क्या दिया, पानी के अंदर तड़पता रहा, अब बाहर निकल के लंबी लंबी सांसें ले रहा है और सोच रहे कि मैं सुखी हूं। नहीं, कह रहे हैं दंडे देन राजा जेन नदी ते चुबाए। ऐसे ही राजा लोग दंड देते हैं, पहले पानी में घुसा देते हैं दो मिनट तक, फिर बाहर निकाल के लंबी लंबी सांस दिलवाते हैं। तो उसी प्रकार से माया देवी भी हमें दंड देती है, कभू राजा कभू प्रजा, कभी राजा बना देती है। अब जो व्यक्ति जितना ऊंचा है, जितनी ऊंचाई से गिरेगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा कष्ट होगा, फिर प्रजा बना देती है। तो ये हम सबको कष्ट मिल रहा है, किस लिए? कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख, अतेव माया तारे दे संसार दुख। क्योंकि हम सब लोग कृष्ण को भूल बैठे हैं, कृष्ण को भूलने के कारण ही हम सबको क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है। अब प्रश्न है, अगर सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण के पास जाना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण को क्या बोलते हैं? कृष्ण को बोलते हैं कृष्ण भूवाचक का शब्द न निवृत्ति वाचक का। कृष्ण न, कृष्ण मीन्स जो सबको आकर्षण करते हैं, और न मीन्स जो आनंद देते हैं। कृष्ण का मतलब ही यही है, आकर्षण करना आनंद देना, आकर्षण करना आनंद देना। वृंदावन में जाके देखो कैसे कैसे विदेशी लोग हैं, सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, क्या मिल रहा है भैया पूछो? नहीं, एक आनंद मिल रहा है। उस आनंद को व्यक्त नहीं कर सकते। वो आनंद एक ऐसा है जो जीवा से या किसी भी भाषा से व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बहुत आनंद है। आप देखो, हमारे एक महाराज जी हैं, श्रुति महाराज जी, फ्रांस के हैं। फ्रांस में, जैसे यहाँ बॉलीवुड होता है, फ्रांस के हॉलीवुड में वो बहुत बड़े एक्टर थे। आज उनकी उम्र लगभग 65 या 66 साल होगी, देखने पर आज भी इतने हैंडसम लगते हैं, हट्टे खट्टे हैं पूरे, 6.5-6 फुट की उनकी हाइट है। तो आज से 40 साल पहले वो भक्ति में जुड़ गए थे और उन्होंने हॉलीवुड छोड़ दिया था। तो अभी भी वो सर्दियों में वृंदावन आते हैं, 3-4 महीने रहते हैं, कई बार जयपुर में भी आते हैं। तो पिछले साल जयपुर में वो मेरे साथ रुके, रोज सुबह 2:30 बजे उठ जाएंगे, चेयर पे बैठ जाएंगे और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, 7:30 बजे तक 5 घंटे लगातार बैठ के जप करते रहेंगे। पागल तो नहीं है? कोई ना कोई तो आनंद की अनुभूति हो रही है, तभी तो भगवान की कृष्ण का जप कर रहे हैं।
इतनी बड़ी उसको छोड़ के आए हैं, इतनी बड़ी कंट्री को छोड़ के आए हैं, इतनी धन दौलत छोड़ के आए हैं, सन्यासी बन गए। सन्यासी का मतलब क्या? जो भिक्षा करके जीवन निर्वाह करता है, भिक्षुक धर्म है, भिक्षा करके जीवन निर्वाह करते हैं। क्यों? क्योंकि एक आनंद मिल रहा है। वास्तविक में जो आनंद है वो केवल कृष्ण के चरणों में है। कृष्ण को छोड़ के और कहीं आनंद है ही नहीं। इस जगत में हम सब लोग चाहते हैं कि हमें आनंद मिले, और आनंद के लिए हम लोग सुंदर सुंदर वस्तु देखने के लिए भागते हैं। सुंदर वस्तु देखने के लिए कहाँ कहाँ भागते हैं? ताजमहल जाते हैं, लाल किला लोग जाते हैं। भारत में कोई सुंदर वस्तु नहीं दिखती, दक्षिण भारत चले जाते हैं। वहां पे कुछ नहीं मिलता तो लंदन घूमने चले जाते हैं, सिंगापुर चले जाते हैं, पेरिस चले जाते हैं। किस लिए? कुछ सुंदर देखना है, होता है ना, कुछ सुंदर वस्तु देखनी है। लेकिन अब सुंदर वस्तु किसको कहते हैं, इसको भी समझो। जो सुंदर वस्तु होगी उसका एक ऐसा प्रभाव है कि वो आपकी दृष्टि को खींच के अपने पास रोक लेगी और आपकी दृष्टि को और कहीं जाने नहीं देगी। मानो अगर किसी एक पुरुष को एक स्त्री सुंदर नजर आ रही है, तो उसका एक स्वभाव है कि वो उसकी दृष्टि को अपने पास रोक लेगी। इस जगत में होता भी है, कोई सुंदर वस्तु हम देखते हैं तो हमारी दृष्टि वहां पे जाके रुक जाती है, होता है या नहीं होता? अरे कितना सुंदर है। जैसे किसी बच्चे को देखते हैं, अरे कितना सुंदर बच्चा है, वहां पे हमारी जाके दृष्टि क्या करती है? रुक जाती है। लेकिन अगर आपकी दृष्टि वहां से कहीं और जा रही है कुछ समय के बाद, यानी कि वो सुंदर वस्तु तो थी, उसने आपकी दृष्टि को रोकने की चेष्टा भी करी, लेकिन आपको उससे कुछ और सुंदर दिख गया तो दृष्टि वहां पे भाग गई। इसलिए लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं सिंगापुर, इस साल सिंगापुर गए हैं तो अगले साल हम मलेशिया जाएंगे, अगले साल कहीं और जाएंगे, अगले साल कहीं और जाएंगे। क्यों भैया? अगर तुम्हें सिंगापुर ही इतना अच्छा लग रहा है, दिन रात वहां पे क्यों नहीं जाते? दिन रात वहीं पे बैठे रहो, दिन रात उसी के दर्शन करते रहो। लेकिन इस जगत में कोई भी वस्तु ऐसी सुंदर है ही नहीं जो आपकी दृष्टि को खींच के हमेशा के लिए वहां पे रोक सके। अगर कोई सुंदर है तो वो केवल कौन है? जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। केवल सुंदर कृष्ण है। कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है जो क्या करता है, खींच के रख लेता है। गोविंद देव जी के दर्शन करने जाओ, बाकी बिहारी के दर्शन करने जाओ, गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए ऐसे ऐसे लोग हैं, 50 साल हो गए जीवन के, रोज सुबह मंगला आरती में दर्शन करने के लिए आते हैं, रोज सुबह आते हैं। हमारे गुरु भाई हैं गुप्ता जी, 40 साल से आज तक एक दिन भी मंगला आरती उन्होंने मिस नहीं करी गोविंद देव जी की। और जब गोविंद देव जी के दर्शन करने आते हैं, आधे घंटे जब भगवान के दर्शन खुले रहते हैं, सब लोग देखो कृष्ण को कैसे निहारते हैं। इसका मतलब उनको कोई तो आनंद मिल रहा है। आप लोग तो पागल नहीं हो, बार बार वृंदावन जाते हो ठाकुर जी के दर्शन करने, इसका मतलब वहां पे उनका सौंदर्य ऐसा है जो हमारी दृष्टि को खींच के रोक लेता है। हमारे प्रभु जी सामने बैठे हैं जो सुबह पालकी चलाते हैं, नगर संकीर्तन, क्या नाम है प्रभु जी का? लीला कृष्ण प्रभु जी। लीला कृष्ण प्रभु जी मुझे कल कह रहे थे 22 दिन के अंदर मैं 4 बारी वृंदावन होकर आया ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। 22 दिन में 4 बारी वृंदावन गए। क्यों गए? क्योंकि ठाकुर जी के दर्शन का ऐसा सौंदर्य है जो हमारी आंखों को खींच के वहां से जाने ही नहीं देता। यद्यपि अभी हमारे हृदय में इतना प्रेम नहीं है, लेकिन जब प्रेम बढ़ जाएगा तो हमारे दर्शन कैसे होंगे? गोपियों की तरह। गोपियां जब कृष्ण के दर्शन करती हैं, उनको कैसे दर्शन होते हैं? गोपियां जब कृष्ण के चरणों के दर्शन करती हैं तो उनके जो नयन है चरणों से ऊपर ही नहीं उठते, चरणों पे ही जाके वहां पे नयन रुक जाते हैं। क्या इस जगत में ऐसी कोई सुंदर वस्तु है जो हमारे नयनों को वहां पे जाके रोक दे, हिलने ही ना दे? नयनों का एक स्वभाव है, नयन बड़े चंचल होते हैं, होते या नहीं होते? नयन बड़े चंचल होते हैं, यहां तक कि वृद्ध अवस्था आ जाए, शरीर पूरा काम करना बंद हो चुका है, शरीर काम नहीं कर रहा, लेकिन नयन तब भी बहुत भागते हैं। नयनों का वो है, इत उत देखत जन्म गयो, यहां वहां देखते देखते पूरा जन्म बीत जाता है, तब भी ये नयन कभी रुकते नहीं है। बड़े चंचल है ये नयन, बहुत चंचल है। खुल के क्या बोलूं, आप लोग तो समझ ही गए होंगे नयन कितने चंचल होते हैं। लेकिन ये चंचल नयन भी कैसे है, जब चंचल कृष्ण के दर्शन करते हैं तो वहां पे जाके ये नयन का स्वभाव बदल जाता है, स्थिर हो जाते हैं, स्थिर गति को प्राप्त कर जाते हैं। मानो जैसे पेड़ है स्थावर, वहां पे जाके स्थावर हो जाते हैं, हिलते नहीं है। इसलिए सखी क्या कहती है, सखी है सुधामय से रूप माधुरी, देखी ले नयन है अचेतन झरे प्रेममय वारी। सखी कह रही है कि ये नयन कैसे हैं, देखी ले नयन है अचेतन, देखने के साथ साथ ये नयन कैसे हो जाते हैं, अचेतन हो जाते हैं। अचेतन यानी कि चित्त और जड़, जड़ हो जाते हैं, हिलते ही नहीं है।
कृष्ण के चरणों को दर्शन करते हैं। क्यों? वहां से क्या मिल रहा है? झरे प्रेमामय वारी, वहां से एक प्रेम का स्रोत निकलता है, एक ऐसी प्रेम की धारा निकलती है, एक ऐसा सौंदर्य लावण्य निकलता है कि वो आंखों को निरंतर पान कराता रहता है, कराता रहता है, कराता रहता है। मानो कृष्ण की जो मधुरिमा है वो नयन उससे पान करते हैं, और जब उस मधुरिमा को पान करते हैं, जैसे इस जगत में क्या है, इस जगत में किसी सुंदर वस्तु को देखा, उसकी जब हम मधुरिमा को पान करते हैं तो दो मिनट में पान कर लिया, उसकी मधुरिमा खत्म हो गई, चलो भैया कुछ और देखेंगे। लेकिन कृष्ण की मधुरिमा कभी खत्म नहीं होती, निरंतर बहे, निरंतर बहती रहती है, बहती रहती है। इसलिए नयन वहां पे जाके रुक जाते हैं, और वो निरंतर अमृत का स्रोत ऐसा बहता है, ऐसा बहता है कि वो खत्म ही नहीं होता। और वो जब निरंतर चलता रहता है, अमृत आंखें उसको पान करती रहती है। अब जब आंखें अमृत को पान कर रही है तो जाए तो जाएगा, उससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। इस जगत में क्या है, सुंदर वस्तु देखी है, अब उससे और सुंदर देखना है, और सुंदर देखना है, करते 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 जहां पे सारे सौंदर्य की सीमा है, जहां पे सौंदर्य भी मूर्छित हो जाता है। मानो सौंदर्य भी जब कृष्ण के दर्शन करता है तो कहता है इतना भी सुंदर कोई हो सकता है, मैं तो सोचता था कि मैं ही सुंदर हूं। तो वो है कृष्ण। एक बारी एक व्यक्ति ने क्या किया, उसने बोला कि कृष्ण की ये जो फोटो है ना, ये जो बनाई हुई है, सब मनोकल्पित है, ये कोई कृष्ण की फोटो नहीं है, ये सब किसी ने बना दी अपने दिमाग से और लोग उसके पीछे पागल होते हैं। मैंने कहा चल ठीक है भैया, अगर उसने अपने दिमाग से कोई फोटो बना दी, मान लेते हैं तेरी बात, सब लोग उसके पीछे पागल होते हैं, तू कोई ऐसा चित्र बना जिसके पीछे दुनिया पागल हो, बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। चलो मानो अगर किसी ने अपने मनोकल्पित से भी कोई बनाने की चेष्टा भी करी, तो जहां पे सारे सौंदर्य की सीमा खत्म होती है, वहां से असीम भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य प्रारंभ होता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य है। और गोविंद देव जी में तो देखो क्या है, कोई व्यक्ति सुबह मंगला आरती दर्शन करने आया, रोज आ रहा है, 40 साल से आ रहा है, उसके बाद अपनी पत्नी को बोलता है कि मैं ठाकुर जी के ना श्रृंगार आरती दर्शन करने जा रहा हूँ। अरे भैया अभी तो 4:30 बजे दर्शन करके आए हो, अब 7:30 बजे श्रृंगार आरती दर्शन करने जा रहे हो, ये क्या मतलब है? 7:30 बजे श्रृंगार आरती दर्शन करने भी जाता है, उसके बाद मैं भगवान की अब धूप आरती दर्शन करने जा रहा हूँ, दिन में 7 झांकियां निकलती है वहां पे भगवान की धूप झांकी, उसके बाद भगवान की शाम को संध्या देखने जा रहा हूँ, शाम को भगवान की शयन देखने जा रहा हूँ। गोविंद देव जी, जयपुर एक ऐसा स्थान है जहां पे जो भक्त लोग गोविंद देव जी के दर्शन करने आते हैं, बाहर के लोग नहीं आते, जयपुर के ही आते हैं। जैसे वृंदावन में क्या है, बहुत सारा तीर्थ है, बाहर के लोग भी आते हैं, लेकिन जयपुर में जयपुर वासी ही भगवान के दर्शन करने आते हैं, बाहर के लोग इतने नहीं आते। और वो लोग ऐसे हैं भगवान की, कई लोग तो 6-6 झांकियां दर्शन करते हैं। अभी जब कार्तिक का समय आएगा, लोगों ने नियम लेके रखा भगवान की 6 के 6 झांकी के दर्शन करेंगे। तो भैया तुम्हें क्या दिख रहा है वहां पे, यानी कि कुछ ना कुछ तो सौंदर्य दिख रहा है ना, जो आपकी आंखों ने वहां पे आपको रोक के रख दिया है, और आप बार बार उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हो। अब मानो एक पति पत्नी की शादी हुई, पति पत्नी को बोलता है तुम देखने में बड़ी सुंदर हो, अब दिन में 6 बारी तो जाके रोज उसको ऐसे देखेगा नहीं, और अगर देखेगा तो पत्नी भाग जाएगी, पागल है क्या ये, दिन रात मुझे ऐसे पागलों की तरह देखता रहता है। कितनी बारी देखेगा? शादी के बाद बोलेगा बड़ी सुंदर लग रही हो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद के रोज उसको देखेगा? लेकिन भक्त लोग कैसे करते हैं, रोज जाके भगवान को देखते हैं। और देखते भी कैसे हैं, वृंदावन में तो आप लोगों ने देखा होगा, इस्कॉन गए हो? मैं जब इस्कॉन जाता था तो मुझे लगता था यहाँ पे सब लोग पागल है, क्योंकि जब मैं नया नया इस्कॉन जाना शुरू किया, जाते थे ठाकुर जी को प्रणाम करते थे, परिक्रमा करी, पेड़े खाए, लस्सी पी, आ गए भैया, हो गया वृंदावन जयराम जी की। अब इस्कॉन में जाके देखा कीर्तन हो रहा है, आगे लोग एक एक घंटा खड़े हैं और ठाकुर जी को बस ऐसे देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं पागल है क्या, एक घंटे से बस खड़े हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, उनको मिल क्या रहा है? तब हमें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि हम संसार में पागल थे, हम तो गए बस थोड़ा मिठाई विठाई खाई, जयराम जी की हो गए दर्शन। लेकिन उनको कोई ना कोई तो वहां पे सौंदर्य मिल रहा है, तभी तो एक घंटा खड़े होकर भगवान को देख रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना देखेंगे। अब इस जगत में क्या कोई ऐसी सुंदर स्त्री है कि उसका पति उसको ऐसे खड़े होकर एक घंटे तक देखता रहे, देखता रहे, देखता रहे, देखता रहे, क्या हो सकता है? संभव है? संभव ही नहीं है। तो भगवान जो है सौंदर्य का, उनका वहां से क्या है, स्रोत निकलता है, एक मधुरिमा निकलती है। इसलिए एक बारी सौंदर्य देवी, सौंदर्य देवी जिसको बोलते हैं शोभा देवी, शोभा देवी के मन में इच्छा आया कि मैं शादी करूंगी। तो शादी करने की जब शोभा देवी के मन में इच्छा आई, शोभा देवी चल पड़ी शादी करने के लिए, बड़े से बड़े राजा के पास गई, कोई राजा पसंद ही नहीं आता। स्वर्ग लोक में गई, इंद्र को भी देखा, सूर्य को भी देखा, अग्नि को भी देखा, चंद्रमा को भी देखा, सारे देवताओं को देख लिया। लेकिन शोभा देवी कह रही है
ये जितने भी देवी देवता हैं, किसी से भी मैं शादी नहीं कर सकती, शादी तो करना दूर की बात है, ये देवता तो मेरे चरणों की दासी भी नहीं बन सकते, दास भी नहीं बन सकते। शोभा देवी को गर्व हो गया, मैं इतनी सुंदर हूं। धरती लोक पे कोई नहीं मिला, स्वर्ग लोक चली गई। स्वर्ग का सौंदर्य कैसा है, धरती से 100 गुना अधिक है। जब स्वर्ग में कोई नहीं मिला और ऊपर करते करते ब्रह्मा जी के लोक तक चली गई, वहां पे भी उसको कोई नहीं मिला। अब बड़ी परेशान है, क्या पूरा जीवन मुझे कुवारी ही रहना पड़ेगा, कम से कम कॉम्प्रोमाइज करने वाला ही पति मिल जाए। चलो अगर बहुत ज्यादा सुंदर नहीं मिलता कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, ऐसा भी कोई पति नहीं मिलता जिसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज करके शादी कर सकूं, मैं देखने में इतनी सुंदर, जो भी मेरे साथ में खड़ा होता है, खड़े होने के साथ साथ देखती हूँ तो मेरे साथ खड़े होने योग्य नहीं है, मेरे चरणों के चरणों में बैठने के भी योग्य नहीं है। तो शोभा देवी बड़ी परेशान हो गई, परेशान हो गई, नारद जी से मिली। नारद जी बोले, अरे क्या तू वृंदावन गई है? नहीं, मैं वृंदावन तो नहीं गई। जा एक बारी वृंदावन में भी देखा। अरे जब स्वर्ग में कोई नहीं मिला, करते करते सत्य लोक तक चली गई, ब्रह्मा लोक में कोई नहीं मिला, तो भैया वृंदावन में मुझे कौन मिलेगा? एक बारी जा तो सही, शायद तेरे को कोई मिल जाए। तो शोभा देवी आ गई वृंदावन में। अब जैसे ही वृंदावन में आई, भगवान श्री कृष्ण उस समय अपनी बंसरी बजा रहे थे। जैसे ही बंसरी की ध्वनि इसके कान में गई, उस ध्वनि को सुनते सुनते भागना शुरू किया। इतनी सुंदर ध्वनि कहां से आ सकती है, मैं तो साक्षात शोभा देवी हूं, इतनी सुंदर ध्वनि तो मैंने भी कभी नहीं सुनी। उस ध्वनि को सुनते सुनते कहां पे पहुंच गई, केशी घाट पे पहुंच गई। वृंदावन गए हो, केशी घाट का दर्शन किया होगा, वहीं पे गोविंद खड़े हैं, बंसरी ध्वनि बजा रहे हैं। इस शोभा देवी की दृष्टि पड़ी भगवान श्री कृष्ण की, जो चरणों से ज्योति निकलती है, जो लावण्य निकलता है, जो एक ज्योति निकलती है, केवल उस ज्योति के दर्शन करे। अब भगवान के भी दर्शन नहीं करे, गोविंद के दर्शन नहीं करे, गोविंद के चरणों के भी दर्शन नहीं करे, चरणों से जो एक प्रभा निकल रही है, जो लावण्य या जो ज्योति निकल रही है, उस केवल प्रभा के दर्शन करे। उस प्रभा के दर्शन करने के साथ साथ साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया उस ब्रज की भूमि पे। साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उस ब्रज की भूमि पे उस प्रभा को देख रही है, प्रभा कहां से आ रही है। जब थोड़ी और दृष्टि आगे गई, तब जाके इसकी दृष्टि पड़ी उस गोविंद के चरणों पे, और उसके बाद इसका अहंकार वहीं पे चून विचून हो गया, और कह रही है, गोविंद के चरणों से प्रार्थना कर रही है कि मैं चली थी किसी को पति के रूप में वरण करने के लिए, लेकिन आज जब इन पुरुष के दर्शन करे, अभी तो कृष्ण के दर्शन ही नहीं करे, केवल इनकी जो चरणों की जो शोभा है उसके दर्शन करे हैं। फिर गोविंद से प्रार्थना करती है कि हे गोविंद, मैं तो आपके चरणों की दासी बनने के भी योग्य नहीं हूं, मेरे अंदर इतनी योग्यता भी नहीं है कि आपके चरणों की दासी बन सकूं। जो पूरा विश्व भ्रमण करके आ चुकी है, सारे विश्व को जिसने तिरस्कार कर दिया, सारे विश्व को जिसने त्याग दिया, वो शोभा देवी कह रही है कि मैं आपके चरणों की दासी बनने की भी योग्य नहीं हूं, क्या आप मुझ पर कृपा करेंगे, मुझे अपने चरणों की दासी के रूप में आप स्वीकार करेंगे। तो वो शोभा देवी जो पूरे जगत को शोभा देती है, वो भगवान के चरणों की दासी बनने के भी योग्य नहीं है, फिर भी भगवान ने उस पर कृपा करके उसको क्या किया, अपने चरणों में स्थान दे दिया। और ये शोभा देवी जो सबको शोभा देती है, जो सबको सौंदर्य सबका वर्धित करती है, ये जब भगवान के चरणों में आई तो इसका अपनी शोभा और बढ़ गई, इसका अपना सौंदर्य लावण्य और बढ़ गया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, जहां पे कोटि कोटि काम देवी क्या होते हैं, मूर्छित होकर गिर जाते हैं, ऐसी भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य है। मानो जब गोपियां कृष्ण के दर्शन करती हैं, क्या कहती हैं, जैसे मानो हमारे सामने एक रसगुल्ला पड़ा है। अब रसगुल्ला अगर सामने पड़ा है तो पानी कहां पे आएगा, पानी कहां पे आएगा बताओ, नाक में पानी आएगा, पानी कहां पे आएगा, जीभ में तो आएगा, आंख से तो पानी गिरेगा नहीं, कान से तो पानी गिरेगा नहीं। अगर सामने रसगुल्ला पड़ा है तो केवल जीवा कैसी है, उसके पीछे भागेगी, यानी कि उसका जो रस है उसको भागने के लिए जीवा भागेगी। अगर मानो सामने कोई बहुत सुंदर दृश्य है, उस दृश्य को देखने के लिए कौन ललायत होगी, नयन, आंख ही तो ललायत होंगे, कान तो पागल होंगे नहीं, जीवा तो पागल होगी नहीं, नाक तो पागल होगा नहीं। या हमारे सामने कोई सुंदर सा एक इत्र है, उसको सुनने के लिए नाक, अरे कितना सुंदर है, सुंघा तो सही, अरे इतना सुंदर इत्र कहां से आया, वहां पे क्या हमारे आंखों में कोई लालच आएगा,
यह कान में लालच आएगा? नहीं आएगा। यानी कि अगर हम इस जगत की कोई भी सुंदर वस्तु देखते हैं जो उसकी इंद्रियों की सब्जेक्ट है, उसी इंद्रियों में क्या होता है, एक लालच पैदा होता है। लेकिन गोपियां जब कृष्ण के दर्शन करती हैं, आंखों से दर्शन कर रही है ना, लेकिन उनकी जितनी इंद्रियां हैं, गोपियों की सारी इंद्रियां उस समय इच्छा करती हैं, कान इच्छा करते हैं, अरे हम आंख क्यों नहीं है, हम भी कृष्ण को देखना चाहते हैं। मानो अगर आप किसी सुंदर वस्तु को देखने के लिए गए तो क्या कान बोलेंगे कि मैं भी देखना चाहता हूं? वहां पे गोपियों के कान भी बोलते हैं हमें भी दर्शन कराओ। गोपियों की जितनी इंद्रियां हैं, आंखों को छोड़ के जीभा है, मुख है, नासिका है, कर्ण है, हाथ है, पैर है, सब इच्छा करते हैं कि हम कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। इतना सुंदर, क्या इस जगत में ऐसी कोई सुंदर वस्तु है? है तो मुझे भी दिखा दो, हो ही नहीं सकती। इसलिए गोपियां जब कृष्ण के दर्शन करती हैं क्या कामना करती हैं कि विधाता ने हमारी सारी इंद्रियों को आंख ही क्यों नहीं बना दिया? सारी इंद्रियां आंख होती, सारे हाथ पैर मुख सब कान होते, हजारों हजारों आंख होती, तो हम कृष्ण के कितनी सुंदर तरह दर्शन कर पाती? क्या इस जगत में कोई ऐसी सुंदर वस्तु है जिसको देखने के बाद हम बोले कि सारी इंद्रियां ही आंख हो जाए? हो ही नहीं सकती। जब कृष्ण की बंसरी ध्वनि सुनती हैं तो गोपियां क्या कामना करती हैं? अरे दो कान क्यों दिए भगवान? करते कि सारी इंद्रियां ही कान बन जाती, हम सारी इंद्रियां कान बन जाती तो कृष्ण की उस मधुरिमा का पान करते। ऐसा कृष्ण का सौंदर्य लावण्य है। इसलिए क्या कहते हैं, जन्म सफल तार कृष्ण दर्शन जार, भाग्य होए आचे एक बार। हमारे आचार्य वर कहते हैं जन्म सफल तार कृष्ण दर्शन जार, उसी का जन्म सफल है जिसको कृष्ण के दर्शन हुए हैं। भाग्य है आचे एक बार, उसी का वास्तविक में सौभाग्य है जिसको कृष्ण के दर्शन हुए हैं। जिसको कृष्ण के दर्शन नहीं हुए उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है। कहते हैं कि उसने जन्म लेने के साथ साथ मर ही क्यों नहीं गया जिसको कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। वास्तविक में जन्म उसी का सफल है जिसने कृष्ण के दर्शन करे, नयन उसी के सफल हैं जिसने कृष्ण के दर्शन करे। नहीं तो ये नयन कभी सफल नहीं होते, भागते रहते हैं, जितना मर्जी भगा लो कभी सफल होने वाले नहीं है। इसलिए गोपियां कहती हैं जो नयन कृष्ण के दर्शन नहीं करते वो नयन कैसे हैं? मोरपंख देखा है, मोरपंख, मोर के पंख के ऊपर भी एक नयन बने होते हैं, वो नयन किसी काम के हैं क्या? वो नयन तो किसी काम के नहीं है। तो उसी प्रकार से जिसके नयन कृष्ण के दर्शन नहीं करती वो उसके समान है, किसी काम के ही नहीं है, यूजलेस है, बेकार है। जन्म सफल तार कृष्ण दर्शन जार, भागे है आचे एक बार। वृंदावन केली चतुर्वन माली, जिसने उस वृंदावन केली, उस वृंदावन कुंज में कृष्ण के दर्शन नहीं करे उसका जन्म व्यर्थ चला गया। गेलो ये दिवस ना आसी वे आर एबे कृष्ण की उपाय, सारा का सारा समय व्यर्थ चला गया, अब वापस भी आने वाला नहीं है। क्या उपाय है? कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए हमारे गुरु वर्ग हमें बार बार समझाते हैं कि अगर अपना जन्म सफल करना चाहते हो क्या करो, कृष्ण की भक्ति करो, चेष्टा करो कृष्ण दर्शन करने की। एक कहते हैं ना, आपने सुना होगा, निधि वन में अगर आज भी कोई जाता है तो वो क्या हो जाता है? अगर आज भी कोई निधिवन में जाए उसको रात को कृष्ण के दर्शन हो जाए तो वो क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। कहते हैं ना पागल हो जाता है। वृंदावन में एक संत रहते थे, अपने शिष्यों को मना किया था कभी निधिवन मत जाना रात के समय, कहीं कृष्ण के दर्शन हो गए तो कहीं के नहीं रहोगे, मत जाना। तो उनके एक शिष्य को यद्यपि गुरुदेव पे विश्वास तो था लेकिन फिर भी कहीं कुछ एक संदेह आ गया, चला गया रात को निधिवन में दर्शन करने के लिए। दर्शन कर लिए, दर्शन हो गए, अब जब सुबह आके देखा तो वहां पे अचेत पड़ा हुआ है। कृष्ण के दर्शन ही ऐसे हैं, अचेत कर देते हैं, अचेत पड़ा हुआ है और अब पागल की तरह घूमने लगा। सब लोग सोच रहे थे कि इसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है इसलिए पागल हो गया। नहीं, अपराध नहीं करा उसको, तो गुरु की कृपा हो गई, कृष्ण के दर्शन हो गए। जिसको कृष्ण दर्शन हो गए वो वास्तविक में सच्ची में ही पागल हो जाता है। इसलिए देखो जो भक्त होते हैं जब भक्ति करना शुरू करते हैं घर वाले लोग क्या बोलते हैं, पागल हो गए हो आप? घर वालों को बोलो वृंदावन जाना है कार्तिक में एक महीने के लिए, सबसे पहले क्या बोलेंगे, पागल हो गए हो। अब उनको क्या पता भैया पागल ही तो हो रहे हैं और क्या हो रहे हैं। इसलिए जो कृष्ण भक्त होते हैं सच्ची में ही वो पागल हो जाते हैं। किसके लिए? संसार वालों के लिए।
और हम लोग उनको बोलते हैं पागल हो गया, पूरा जीवन बीत गया अभी तक वृंदावन नहीं गए, वो हमें पागल बोलते हैं, हम उनको पागल बोलते हैं, तो ये सच्ची में पागल हो गया। दो तीन दिन जीवित रहा, दो तीन दिन के बाद इसके प्राण छूट गए, लेकिन इसने एक पत्र लिखा, वो पत्र आज तक मथुरा में पड़ा हुआ है। उस पत्र में उसने लिखा कि मैं प्रणाम करता हूं अपने उस गुरु को, जिस गुरु की कृपा से मुझे आज निधि वन में श्याम सुंदर के दर्शन हुए हैं। अब दुनिया मुझे बोलती है कि मैं पागल हो चुका हूं, और सच्ची में मैं दुनिया के लिए पागल हो चुका हूं, क्योंकि ये जो नयन है, इस नयन ने इतने सुंदर दर्शन कर लिए, इतने सुंदर दर्शन कर लिए कि अब इस जगत में और कुछ देखने के लिए राह ही नहीं है। जब इस जगत में कुछ देखने के लिए राह ही नहीं, तो मैं इस जगत में रह के अब करूं क्या? इसलिए श्रवण करने के लिए, जिसने कृष्ण की बंसरी श्रवण कर ली, अब और श्रवण करने के लिए बचा ही क्या है? तो अब इस जगत में रहकर श्रवण करूं भी तो करूं क्या? अब इस जगत में मेरी इंद्रियों के लिए कोई वस्तु बची ही नहीं है, क्योंकि मुझे उस कृष्ण के माधुरिमा के दर्शन हो चुके हैं, आंखें उसका पान कर चुकी है, कर्ण उसका पान कर चुके हैं, जीवा उनके नाम का स्वाद कर चुकी है। इसलिए मैं अपने प्राणों को अब रोक ही नहीं पा रहा, मानो मेरे प्राण जो है भाग रहे हैं, इस शरीर को छोड़ के भागना चाहते हैं। कहां पे? उस श्याम सुंदर के पास। इसलिए मैं मरा नहीं हूं, मैं मर के भी अमर हो गया हूं। मेरे प्राण भाग के कहां पे चले गए हैं? उसी श्याम सुंदर चरणों में, जहां के वहां पे उनकी दर्शन करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। अब सेवा के बिना ये प्राण छटपट आ रहे हैं, तो मानो उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये भगवान श्री कृष्ण के दर्शन है। इसलिए हमारे आचार्यवर क्या कहते हैं, हमारे रूप गोस्वामी जी कहते हैं, वृंदावन मत जाना। इसको हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में गाया है, बंधु संगे यति दव रंग परिहास, मोर एक कथा नाको जेओ नाको जेओ नाको, मथुरा तीत केशीर घाट। बंधु संगे यदि तव रंग परिहास, अगर अभी भी अपने बंधु बांधवों के साथ रहना चाहते हो कि नहीं नहीं, अभी तो मैं दादा बनने वाला हूं, अभी तो मैं नाना बना हूं, अभी तो मैं पोतों का सुख का अनुभव करूंगा, मेरे पोते हुए हैं, पोतों को गोदी में खिलाऊंगा। बंधु संग यदि तब रंग परिहास, उनके साथ हास परिहास करना चाहते हो, अपनी बेटी अपने बेटे के साथ हास परिहास करना चाहते हो, अपनी पत्नी पति के साथ हास परिहास करना चाहते हो, अरे अभी तो रिटायर हुए हैं, अपने परिवार के साथ सुख अनुभव करेंगे। बंधु संगे यदि तब रंग परिहास, तार मोर एक कथा नाको, मेरी एक कथा को अच्छी तरह सुन लो, मथुरा तीर्थ केशीर सघाट, मथुरा में मत जाना। मथुरा में चले गए तो वृंदावन में मत चले जाना, और अगर गलती से वृंदावन में चले गए तो केशी घाट में मत चले जाना। क्यों क्यों मत चले जाना? क्योंकि वहां पे गोविंद की मूर्ति है, जो उसके दर्शन कर लेता है ता हो सर्वनाश, उसका सर्वनाश हो जाता है, फिर वो कहीं का नहीं रहता, फिर वो अपने परिवार का नहीं रहता, फिर वो वहीं का होके रह जाता है, फिर उसके लिए बच्चे पुत्र पत्नी कोई संबंध नहीं रह जाते, केवल एक संबंध रह जाता है, गोविंद। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, फिर सभी कृष्ण हो जाते हैं, कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही धन प्राण है। इसलिए कह रहे हैं हमारे आचार्यवर कि इसलिए वहां पे मत जाना। मानो मना नहीं कर रहे, कह रहे हैं अरे मूर्ख, किसको अपना पत्नी, किसको अपना पुत्र, किसको अपना सजन मान के बैठा है, कोई तेरे नहीं है, मृत्यु आने के साथ साथ सब तेको जाके क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करते हैं, यही करेंगे जो सबके साथ होता है, एक माचिस की तीली, एक घी का लोटा, दो घंटे में स्वाहा 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 खत्म, जयराम जी की और क्या बचेगा। इसलिए इन सबको छोड़, किन मृत लोगों के साथ बैठा है, सब मृत हैं, जा वृंदावन जा, वहां पे जाके गोविंद के दर्शन कर, उन्हीं को ही अपना सर्वस्व मान, उन्हीं से प्रीति लगा, जिनसे प्रीति लगा के बैठा है सारी प्रीति तेरी एक दिन खत्म हो जाएगी। इसलिए जब तक प्राण है तब तक अपनी प्रीति को निकाल के गोविंद के चरणों में जाके दे दे। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन है। इसलिए हमारे आचार्य वर्ग हमें बताते हैं, बोल बोल के थक गए लेकिन हम सुनते ही नहीं है। इसलिए अगर इस जीवन में आनंद चाहते हो, हम सब लोग क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं जीवन में, आनंद चाहते हैं। आनंद कहाँ पे नहीं ढूंढते, बचपन में आनंद ढूंढा माँ की गोद में, थोड़े और बड़े हुए आनंद ढूंढा कॉलेज में, थोड़े और बड़े हुए पति पत्नी में आनंद ढूंढा, और बड़े हुए बच्चों में आनंद ढूंढा, और बड़े हो गए बूढ़े हो गए अब पोते पोतियों में आनंद ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये आनंद ना पोते पोतियों में मिलने वाला है, ना बच्चों में मिलने वाला है, ढूंढते 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 मृत्यु आ जाएगी, आनंद मिलेगा नहीं। इसलिए बताते हैं कृष्ण ही आनंद स्वरूप है। अगर आनंद चाहिए तो कहां पे जाना पड़ेगा,
कृष्ण के पास ही जाना पड़ेगा। तो कल हम भगवान की जो मधुरिमा है, कल हम प्रवेश करेंगे इस वृंदावन धाम के अंदर, कल हम प्रवेश करेंगे इस ब्रज धाम के अंदर, और हम प्रवेश करेंगे ये गोपियों का प्रेम कैसा है। यहीं पे बोल के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ, और हम जो राधा अष्टमी का उत्सव बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, हम मथुरा में हमारे गुरुदेव ये करवाते थे कि जब ब्रजवासियों को पता चला कि वृषभानु के यहाँ पे राधा जी का जन्म हुआ है, तो जितने ब्रजवासी हैं अपने गांव से, ब्रज में अनेक अनेक गांव हैं, सारे के सारे गांववासी वृषभानु जी को बधाई देने के लिए जा रहे हैं। और जब बाबा जी को बधाई देने के लिए जा रहे हैं तो अपने हाथ में कोई फल लेके जा रहा है, कोई फूल लेके जा रहा है, कोई अनेक प्रकार से राधा जी के लिए कोई वस्त्र लेके जा रहा है, जो जिसकी जैसी श्रद्धा है सब बाबा जी के पास जा रहे हैं बधाई देने के लिए। तो उसी प्रकार से उस दिन सारे संगरूरवासी वृषभानु जी को राधा जी की बधाई देने के लिए यहाँ पे आएंगे। कैसे आएंगे? खाली हाथ नहीं आएंगे, अपने साथ जितने भी आपके पड़ोसी हैं सब पड़ोसियों को इकट्ठा करो, कम से कम 20-25 लोगों का एक एक ग्रुप बना के, इसको बोलते हैं चाओ, कि आज इस गांव से चाओ आ रहा है, उस गांव से चाओ आ रहा है, सारे के सारे गांव वाले सब लोग मिलके आके बधाई देने के लिए आते हैं। तो सारे के सारे आपके आसपास में जो पड़ोसी हैं उन सबको बोलो कि उस दिन हम लोग क्या करेंगे, राधा जी की बधाई देने के लिए जाएंगे, और अपने सर पे एक एक टोकरी रख के, टोकरी में अगर किसी को घर में अच्छा मालपुड़ा बनाना आता है, किसी को अच्छी खिचड़ी बनानी आती है, किसी को अच्छे पकोड़े बनाने आते हैं, किसी को पूड़ी बनानी आती है, जो भी अच्छा बनाना आता है उसको बना के लेके आएंगे अपने आसपास सब लोगों को इकट्ठा करके। और उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपके वहां से मान लीजिए 25-30 लोग इकट्ठे होते हैं, एक बैंड वाले को बुला लो जो हाथ में बैंड बजाते हुए आएगा, नहीं तो नगर संकीर्तन वाले हैं, नगर संकीर्तन करते हुए पूरा नाचते हुए गाते हुए यहाँ पे सब लोग चाव लेके आएंगे, और यहाँ पे फिर बड़ी धूमधाम से राधा जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। और मैं समझता हूँ शायद संगरूर में मोहित प्रभु जी बता रहे थे पहली बार ही राधा जी का इस प्रकार से जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण जन्म उत्सव तो सब मनाते हैं, लेकिन कृष्ण को अगर संतुष्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, राधा जी का जन्म उत्सव बनाना पड़ेगा। अगर राधा जी का जन्म उत्सव बना लिया तो भैया कृष्ण इतने संतुष्ट होंगे, इतने संतुष्ट जितने जन्माष्टमी में भी नहीं हुए थे। तो मानो हम राधा और कृष्ण दोनों को संतुष्ट करेंगे, तो हम लोग एक मीटिंग कर लेंगे और डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ पे कैसे कैसे किस एरिया से चाव आएगा, कौन लोग लेके आएंगे, कौन उसका हेड बनेगा, क्या क्या लेके आएंगे, इसका हम एक लोग मीटिंग करके डिसाइड कर लेंगे। तो अभी मोहित प्रभु आप थोड़ा सा